की जाए तो मेहमानों के पहुंचने का जो सिलसिला था उसमें सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के जो प्रतिनिधि हैं वो पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट मसात्सुगु असाकावा को एक तरीके से वहाँ पर उन्होंने होस्ट किया, उनका अभिवादन किया है, स्वागत किया है और ये रात्रि भोज जो कि राष्ट्रपति के माध्यम से दिया गया है और ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि कितना विहंगम और दृश्य है भारत की बढ़ती झलक को दिखाते हुए। तिरंगे की रोशनी में नहाया हुआ भारत मंडपम भारत की सांस्कृतिक विविधता को दर्शन कराता हुआ, इसके अलावा तमाम मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और ये अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उनसे जुड़े हुए तमाम मेहमानों का सिलसिला एक तरीके से ये शुरू हो गया, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वागत कर रहे हैं तमाम मेहमानों का। और वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर यहाँ साफ तौर पर लिखा हुआ है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के वित्तीय स्थिरता बोर्ड के अध्यक्ष क्लॉस नॉट अपने आप में इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और ये बताता है किस प्रकार से भारत के निमंत्रण पर दुनिया भर की तमाम शक्तियां इस वक्त पहुंची हुई हैं भारत, और भारत खुश है अपने मेहमानों का स्वागत करने के लिए और ये सिलसिला लगातार जारी यहां पर दिखाई पड़ रहा है और विहंगम तस्वीरें खुशनुमा माहौल के बीच में, और ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से तमाम लोग इस वक्त पहुँचे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी और उसके साथ साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वागत करते हुए तमाम लोगों का जो लोग इस वक्त वहां पे मेहमान पहुंच रहे हैं। और भारत मंडपम अपने आप में पूरी तरीके से तैयार है मेहमानों के स्वागत के लिए और ये स्वागत सत्कार भारत की एक परंपरा का बड़ा हिस्सा है और ये भी अपने आप में दिखाता है किस तरीके से लगातार भारत इस बात से अपनी विविधता का मुजाहिरा भी करता है। स्टेलिना जॉर्जिवा यहाँ पर पहुंच चुकी हैं, उनका भी स्वागत किया गया और जब ये एयरपोर्ट पहुंची थी तो ये भारतीय नृत्य के साथ कहीं ना कहीं अपने आप को आगे जोड़ती नजर आई थी, वो बेहद खूबसूरत तस्वीरें हम लोगों ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी देखी थी जब क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो कि IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो पहुंची थी, वो स्वागत से अभिभूत नजर आई थी और भारतीयता का जो एक तरीके से प्रदर्शनी वहाँ पे थी उससे वो अभिभूत थी और उसके साथ खुद को जोड़ने से वो रोक नहीं पाई थी ऋतु, और वो अपने आप में एक बेहद खूबसूरत सी तस्वीरें थी और निश्चित तौर से ये रोशनी इस बात को इशारा करती है कि भारत न सिर्फ खुद को रोशन कर रहा है बल्कि दुनिया को रोशन करने के लिए तैयार और तत्पर नजर आ रहा है। बढ़ती हुई ये रोशनी, सतरंगी रोशनी सबको समाहित करने का संकेत और संदेश भी देती है कि किस तरीके से भारत सबके साथ समावेशित विकास को लेकर आगे बढ़ने की बात कर रहा है। ऋतु, आप जिस बात का जिक्र कर रही थी अफ्रीकी नेशंस को G20 में स्थायी सदस्य के तौर पर शामिल करना, सबकी आवाज़ को मंच देना, ये भारत की सोच है और भारत हमेशा से सबको शामिल करके आगे बढ़ने का विचार को आगे बढ़ाता है, तो निश्चित तौर से ये तस्वीरें भी उस दिशा में आगे बढ़ती हैं जहां पर ये रोशन होता भारत मंडपम और यहां से निकलती रोशनी दुनिया को शायद एक आशा की किरण देगी तब जबकि तमाम चुनौतियों के बीच में समाधान का व्यवहारिक रास्ता। और यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस साहब इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका स्वागत इस्तकबाल करते हुए, और निश्चित तौर से ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं भारत मंडपम से। और यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस पहले भी भारत आ चुके हैं और उन्होंने कई मौक़ों पर न सिर्फ भारत में बल्कि कई बार वैश्विक मंचों पर भारत में हो रही सामाजिक आर्थिक प्रगति और जिस प्रकार की नीतियां उसकी खुलकर तारीफ की है। 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज के माध्यम से बड़ा परिवर्तन लाना, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की जमकर तारीफ वो कई मंच पर कर चुके हैं और एक बार फिर से मौका है भारत अपने मेहमानों का स्वागत करने के लिए और लगातार मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है। ये रात्रि भोज देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने आयोजित किया है, प्रधानमंत्री मोदी उनके साथ मौजूद हैं और सभी नेताओं का स्वागत करने के लिए, और ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है, भारत भारतीयता इस सबका दर्शन कराती है। जी हाँ, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जब सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत कर रहे थे सभी राष्ट्र अध्यक्षों का G20 के शिखर सम्मेलन की शुरुआत से पहले, तो जहां पे स्वागत कर रहे थे वहां जो कोणार्क चक्र था वो बताता है किस तरह से कि भारत लगातार प्रगति भी कर रहा है, भारत की संस्कृति सभ्यता को बताता है। साथ ही साथ हमने देखा जिस तरह से नटराज की मूर्ति भारत मंडपम में है वो भी भारत के उस इतिहास को ही बताती है जिसको लेकर भारत न सिर्फ तमाम मंचों पर उसकी ताकत को बताता रहा है, साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि भारत किस तरह से इस पूरे आयोजन में भी
भारत की संस्कृति और सभ्यता को दिखाता रहा। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर टेड्रोस अदनोस गेब्रियसिस, और ये उनकी इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वागत कर रहे हैं। और निश्चित तौर से हमने देखा है कि वो पहले भी भारत आ चुके हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने एक अपनेपन के साथ उनको एक नाम भी दिया था और वो अपने इस नाम से भी खुश थे। और हम जानते हैं कि उनके गुजरात दौरे के दरमियान दुनिया के पहले एक तरीके से पारंपरिक चिकित्सा के ग्लोबल सेंटर की शुरुआत भी हुई थी, जो भारत की परंपरागत चिकित्सा को भी दिखाता है। और कैसे WHO ने अपने आप को उसके साथ जोड़ा था, वो भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। इस वक्त WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर गेब्रियसिस इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे थे। G20 भारत 2023 की मेजबानी करता हुआ वसुधैव कुटुंबकम, निश्चित तौर से खुशनुमा माहौल और बेहतर एक तरीके से आबो हवा का भी कह सकते हैं, क्योंकि तमाम देशों के झंडे लहराते हुए एक दूसरे के साथ में लहराते हैं और ये इस बात का एहसास भी कराते हैं कि सब एक दिशा में एक साथ दुनिया की बेहतरी के लिए मिलकर चलने को तैयार नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर से विश्व की बेहतरी के लिए जो कदम उठाने हैं वो इन झंडों के हिलते हुए उस कदम से भी देखा जा सकता है। और यहाँ पर तमाम मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और हम देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंडपम, भारत मंडपम में पहुंच रहे, मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। ये रात्रि भोज से पहले की तस्वीर है और निश्चित तौर से दिन भर एक बड़ा हार्डकोर डिप्लोमेसी का एक वक्त चला, उसके बाद से अब यहाँ पर हम देखेंगे किस प्रकार से हल्के फुल्के अंदाज में भी तमाम नेता आपस में बातचीत करते नजर आएंगे। और निश्चित तौर से इस भारत मंडपम की जो तस्वीर है वो अब इस पर दुनिया भर की नजरें लगी हैं। और हमारे साथ में दो खास मेहमान भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजय भट्टाचार्य जी हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनीतिक, इस वक्त हमारे साथ में स्टूडियो में। सर बहुत स्वागत है आपका जुड़ने के लिए। इसके अलावा शुभमोय भट्टाचार्य वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है। नमस्ते भट्टाचार्य जी, सबसे पहला सवाल, क्योंकि नए भारत विकसित हो रहे भारत की ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। इस वक्त तस्वीरों में हम देख सकते हैं वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं अजय बंगा साहब, जो कि एक तरीके से भारतीय मूल के हैं, और उनके द्वारा इस प्रकार की जिम्मेदारी को निभाए जाना, अपने स्पाउस के साथ में इस वक्त मौजूद, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी उनके साथ में मौजूदगी, और ये दिखाता है कि कैसे विश्व की तमाम शक्तियों के प्रतिनिधि इस वक्त हमारे साथ मौजूद जुड़ रहे हैं भारत मंडपम में। जी संजय जी, क्या कहेंगे सर आप इन तस्वीरों को देखकर? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि G20 का जो लीडर्स डिक्लेरेशन कुछ ही समय पहले अडॉप्टेड हुआ था, और अभी उस डिप्लोमेसी से आगे जाके अपना जो संस्कृति का बात है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। आप देखेंगे कि G20 में इस बार आर्थनीतिक अर्थशास्त्र के अलावा, राजनीतिक के अलावा, जो हमारा जो कल्चरल पिलर है उसके ऊपर भी काफ़ी अहम महत्व दिया गया है, और ये एक वैसा ही प्रतीक है जो कि भारत बहुत मशहूर है अपने सिविलाइजेशन के लिए, अपने कल्चर के लिए, और ये एक वैसा मौका है जिसमें हम अपने आए हुए अतिथियों को उसका एक झलक दिखा पाए। बिल्कुल, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, भारत मंडपम पूरी तरीके से सजा हुआ है, रोशनी में नहाया हुआ है, और ये यहाँ पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी, जो कि हमारे भारत की G20 प्रेसिडेंसी में आमंत्रित देशों की श्रेणी में मिस्र के राष्ट्रपति इस वक्त पहुँचे। हम जानते हैं कि मिस्र की कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री मोदी ने यात्रा की थी, और उस यात्रा के दरमियान दोनों ही देशों के बीच में संबंधों को आगे बढ़ाने के लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण मौका था, और कुछ समय में ही तमाम नेताओं की फिर से मुलाकात होना ये बढ़ते हुए संबंधों की गहराई को भी दर्शाता है। सर आप किस तरह से देखते हैं, कम समय में जब नेता एक दूसरे से मिलते हैं तो उसका एक ज़्यादा इम्पैक्ट नज़र आता है? भट्टाचार्य जी, प्रेसिडेंट सीसी को देखकर मुझे बेहद खुशी हुई, क्योंकि मैं मिस्र में राजदूत रहा हूँ और हमारे जो संबंध है वो बहुत ही निकट और घनिष्ठ और मजबूत है। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने उसको एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का भी रूप दिया। मिस्र, सऊदी अरेबिया, एमिरेट्स, जो कि तीन बहुत ही महत्वपूर्ण अरब राज्य के प्रतिनिधि हैं, इस G20 में जब भाग ले रहे हैं, मिस्र एक इनवाइटी के रूप में और एमिरेट्स भी वैसे ही, तो ये हमें ये भी दर्शाता है कि भारत का जो इन इलाकों के साथ बहुत एक पुराना ऐतिहासिक रिलेशनशिप है, जो G20 से काफ़ी पुराना है,
और जो अपने ग्लोबलाइजेशन का जो किस्सा है उससे भी बहुत पुराना है, और कैसे एक तरफ से बायलैटरल का प्रगति होता है, रीजनल का रिलेशंस बनते हैं और ग्लोबलाइजेशन की ओर हम लोग ग्लोबल साउथ का एक वॉइस बन जाते हैं। जी हाँ, ये तस्वीरें जो हैं, ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि जो भारत का एक जो भाव है अतिथियों के प्रति, वो प्रधानमंत्री के उस पूरे एक तरह से अंदाज में दिखाई देता है। बिल्कुल, और ये जो तस्वीरें हैं, क्योंकि हम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पीछे देख पा रहे हैं, नालंदा की वो तस्वीर है, और ये भी भारत अपने आप से इस बात को दुनिया के सामने रख रहा है, कैसे 5 से 12वीं सदी तक लगातार ये ऑपरेशनल था, और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के माध्यम से, या कहा जाए शैक्षणिक व्यवस्थाओं के माध्यम से समृद्ध भारत की जो एक दुनिया तक एक छवि पहुंची थी, उसका एक बड़ा तरीके से कहा जा सकता है नालंदा उसकी एक प्रतिकृति रहा है। सर, किस तरह से आप देखते हैं, जब ये सिंबॉलिक ही नहीं होता, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब आप नालंदा का एक बैकड्रॉप रखते हैं पीछे, आप दुनिया को क्या संदेश दे रहे हैं? ये आप तो जानते होंगे कि नालंदा शायद विश्व का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी रह चुका है। जी, नालंदा, विक्रमशिल, तक्षशिला, ये ऐसे यूनिवर्सिटीज थे जहाँ पे देश विदेश से, पूर्व से, चीन, जापान, कोरिया उस इलाकों से, और फिर पश्चिम से जहाँ की अरब देश अभी हैं, वहाँ से लोग यहाँ पे आते थे अध्ययन के लिए। और उस समय इतना एक कंपटीशन था कि नालंदा में कैसे वो लोग एडमिशन पाए, और उस समय का जो हमारा विज्ञान था, अपना जो फिलॉसफी था, जो हिस्ट्री का जो डायलेक्टिक्स था, उसका जो अध्ययन होता था, वो सारे विश्व में प्रभाव क्या हुआ है। जी, आज अगर आप देखें कि साउथ ईस्ट एशिया का जो राज्य है, जहाँ पे हिंदू और बौद्ध धर्म का बहुत भारी प्रभाव है, वो ऐसे ही यूनिवर्सिटी से बाहर चल सर आपको विनम्रता से रुको, क्योंकि जब नालंदा की बात करते हैं, इस इलाके की बात करते हैं, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर का नाम स्वतः मन में आता है, और भारत ये हमेशा से कहता है ये भगवान बुद्ध का जो शांति का संदेश है वो दुनिया भर में आगे बढ़ाता है। तो विश्व शांति की बात को वैश्विक मंचों पर सबसे मुखरता से रखने वाला देश भारत, अगर वो महावीर, भगवान बुद्ध के, नालंदा के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बैकड्रॉप में खड़े होकर विश्व नेताओं का स्वागत करता है, तो ये अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। और संभवतः मॉरिशस के प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद हैं, जिनका वो स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, और निश्चित तौर से ये तमाम विश्व के नेताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। जुगन्नाथ का स्वागत किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। हमारे साथ में शुभमोय भट्टाचार्य जी भी जुड़े हुए हैं। शुभमोय जी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जब आप विश्व नेताओं का स्वागत कर रहे हैं, तो आपके पीछे की जो तस्वीर है वो भी एक बड़ा संदेश देती है कि आप आज नहीं, आप कितने पुराने विश्वगुरु रहे हैं, आपने दुनिया को क्या कुछ दिया है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आपकी आज की नहीं है, दुनिया में कितनी सदियों पुरानी है। शुभमोय जी, बिल्कुल, और साथ में आपकी जो प्रतिष्ठा वो सिर्फ आज ही से नहीं बनता है, वो आपके पुराने चाल चलन वगैरह सब कुछ से बनता है। और ये बहुत बड़ा चीज़ है कि भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, जिसमें हम लाइफ का, हम खासकर जो इसका जिक्र G20 डिक्लेरेशन में किया गया है, ये लाइफ भारतीय व्यवस्था से कुछ अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है कि एनवायरनमेंट पॉजिटिव, एनवायरनमेंट के साथ सस्टेनेबिलिटी मान के हम जो चलते हैं, उनका पूरा कनेक्शन इसी हमारे, यही हमारा धरोहर है। और ये एक बहुत बड़ा चीज़ है जिसको हमने इस बार सामने रखने में सक्षम हुए हैं। और ये बहुत बड़ा, आप जैसे कनेक्शन कर रहे थे कि आप पुरानी सभ्यता के साथ नई सभ्यता, नई ऊर्जा, दोनों का मिश्रण एक बहुत बड़ा पहलू होगा। बिल्कुल, और एक बहुत बड़ा पहलू होगा, और कैसे दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर में भारतीयता साफ तौर से दिखाई पड़ रही है, झलक रही है, जहां पे अष्टधातु की मूर्ति के साथ में नटराज की मौजूदगी ये बताती है कि किस प्रकार की स्थितियां, परिस्थितियों के साथ में भारत ने अपने आप को विश्व गुरु के तौर पर स्थापित किया था। उसकी जड़ों में कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, तमाम ऐसी व्यवस्थाओं के साथ में वो समाहित रहा है, जिसको लेकर दुनिया आज काफ़ी कुछ हासिल करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि परंपरागत चिकित्सा की बात हो या फिर अपना ज्ञान की बात हो। इस वक्त तस्वीरों में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनका स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उनके साथ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और निश्चित तौर से हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से आई हमारी प्रधानमंत्री शेख हसीना, और ये खुशनुमा तस्वीर भट्टाचार्य जी, किस तरह से आप देखते हैं आप इसको? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल प्रधानमंत्री जी ने शेख हसीना के साथ बायलैटरल मीटिंग भी किया था, ये हमारे बहुत ही घनिष्ठ
नेबर है, हमारे साथ इनका बहुत लंबा नाता है और हमारा जो नेबरहुड के प्रति जो एक प्रायोरिटी है जी, हमारा जो बांग्लादेश के साथ जो रिलेशंस है उससे ये उभर के आता है। और बंगबंधु का जो ख्याल आया जी, था जी, 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 बात जो कि मैं कहना चाहता था कि जैसे आप देख रहे हैं ये लोग आ रहे हैं, इसमें एक और भी झलक आता है कि भारतीय प्रवासी जो है वो भी देश विदेश में जाकर एक बहुत इम्पोर्टेंट स्तर पर पहुंच चुके हैं। आपने देखा वो वर्ल्ड बैंक के चीफ जो है बंगा, वो वहाँ पे थे, वो प्रवासी हैं। अनिरुद्ध जगन्नाथ मॉरिशियस के जो प्रधानमंत्री है, कुछ देर बाद आप देखेंगे कि यूके के भी प्रधानमंत्री आएंगे, वो भी प्रवासी हैं। हमारा जो एक संस्कृति है जो कि हम लोगों ने देश विदेश में फैलाया हुआ है और वहाँ के जो अपना संस्कृति है उनके साथ वो मिल चुके हैं, लेकिन एक भारतीयता का जो है वो एसेंस वो उनके साथ रह जाता है और ये भी बड़े सुंदर तरह से इस पे नजर आ रहा है। बिल्कुल, और ये अपने आप में तमाम तस्वीरें इस बात को बयां करने के लिए काफी हैं कि कैसे भारत अपनी मेजबानी में G20 की अध्यक्षता में वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए आगे बढ़ता नजर आया और एक कंसेंसस बनाता नजर आया। शुभमोय भट्टाचार्य जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभमोय जी, आपको लगता है कि दिल्ली डिक्लेरेशन को लेकर सहमति बनना ये भी भारत की बढ़ती क्षमताओं को सीधे तौर से दिखाता है? शुभमोय जी, आर्यन जी, साथ दिल्ली डिक्लेरेशन ही नहीं, साथ में जो कुछ देर पहले जो प्रधानमंत्री जी ने जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर आर्थिक कॉरिडोर का जो प्रपोजल का जो घोषणा किए हैं उसको मैं बहुत ही सिग्निफिकेंट मानता हूँ, क्योंकि ये कॉरिडोर एक मोहित जी, हम अपने दर्शकों को ये भी बताते चल रहे हैं कैसे कैसे करके एक एक मेहमान पहुंच रहे हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री इस समय पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री हर अपने उस मेहमान को, पहुंचने वाले मेहमान को ये जरूर बता रहे हैं कि ठीक उनके बैकड्रॉप में जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसका इतिहास किया है, किस तरह से इसको नष्ट किया गया और भारत की शिक्षा के क्षेत्र में जो ताकत थी उसको लगातार प्रधानमंत्री अपने हर मेहमान से साझा कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में जो तस्वीरों में हमने देखा कि अभी सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली शियन लूंग थे और प्रधानमंत्री मोदी ने और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका स्वागत किया, इस्तकबाल किया। और निश्चित तौर से ऋतु, आप जो बात कह रही थी कि वो बैकड्रॉप अपने आप में मायने रखता है, आप एक इतना बड़ा जब इवेंट करते हैं तो आपको भारत की विविधता को दिखाना होता है। G20 की तमाम बैठकों के दरमियान हमने अपने तमाम शहरों में बैठकें की, लेकिन शिखर सम्मेलन दिल्ली में हो रहा है, बावजूद उसके हम अपने इतिहास से, अपनी संस्कृति से तमाम शिखर नेताओं को रूबरू करा रहे हैं, ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। एम्बेसडर भट्टाचार्य, क्या आपको लगता है कि भारत ने जिस तरह से भारत मंडपम का जो पूरा एक तरह से तैयार किया है, उसमें नटराज की मूर्ति, सुबह ओडिशा का कोणार्क चक्र और अब नालंदा विश्वविद्यालय, भारत अपने उस इतिहास को भी इस दुनिया को दिखाना चाहता है, उस समृद्ध इतिहास को जिसमें शिक्षा, संस्कृति, परंपरा, सनातन सब कुछ समाहित है और विश्व कल्याण के लिए हर चीज का इस्तेमाल किया गया। ये G20 का जो प्रोसेस हुआ है, ना सिर्फ शिखर सम्मेलन लेकिन इससे पहले भी जितने सारे मीटिंग्स हुए हैं, इसमें बहुत सारे अनोखे रूप नजर आए हैं पहली बार, और ये भारत ने इसको दिखाया है कि हमारा जो डेमोक्रेटाइजेशन है अपने देश में, एक जो स्पिरिट ऑफ इंक्लूजन है, हमारा जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, हमारा जो पार्टिसिपेशन है, वो चाहे युवा का हो, नारी का हो, ये सब अपना हम G20 में सारे विश्व में फैलाना चाहते हैं और ये एक मिसाल के उदाहरण के तौर पे हम दिखा रहे हैं। हमारा जो संस्कृति बहुत ही समृद्ध है, बहुत ही इंस्पिरेशनल है, और इससे पीछे भी जैसे कि मैं कह रहा था कि साउथ ईस्ट एशिया में, अरब राज्यों में, यूरोप का जो एनलाइटनमेंट हुआ वो भी इसी विज्ञान का डेवलपमेंट से हुआ। तो ये जो हम शेयर कर रहे हैं आज, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि ये हम लोग पहली बार G20 का प्रेसिडेंसी है। एक जो निराशा का दौर था कोविड के वजह से, इकोनॉमिक सिचुएशन में डाउनटर्न के वजह से प्रगतिशील देशों में, उसमें हम एक होप की आशा, एक आशा का एक किरण दिखा रहे हैं, और इसमें ये सब बहुत महत्व रखते हैं। हमारा जो प्राचीन संस्कृति है, हमारा जो हमारा एम्पावर्ड जो सिटीजन्स है,
हमारा जो एस्पिरेशंस है और उसको हम कैसे एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, एक ग्लोबल साउथ का एक वॉइस की तरह हम लोग डेवलप करें, ये बहुत प्रभावशाली रहेगा। बिल्कुल, ये बहुत प्रभावशाली है। और बदलते भारत जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शुभमोय जी, आप इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन यूनियन कॉरिडोर का जिक्र कर रहे थे, ये एक महज फिजिकल कॉरिडोर नहीं होगा बल्कि कनेक्टिविटी के बढ़ाने के लिहाज से, संबंधों को भी, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट को बढ़ाने के लिहाज से भी एक बड़ा एक परिवर्तन लेकर आने जा रहा है। शुभमोय जी, बिल्कुल, और इसको अगर आप हर पहलू में देखें, ये वाला जो कॉरिडोर जिसकी बातें हुई है, ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें मेजबान भारत, साथ में सऊदी अरेबिया, अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन, हर तीनों का प्रेजेंस में ये कॉरिडोर का अनाउंसमेंट एक और दूसरा किसी प्रोजेक्ट से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि इसमें एक 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 इकोनॉमिक अलायंस का, आपने कहा बिल्कुल कहा कि लोगों के साथ, लोगों को साथ में आने का, ये भाव विनिमय कल्चर वगैरह बहुत सारे चीज़ों का, और उसके पूरे सबके पीछे सशक्त एक आर्थिक बुनियाद को, कनेक्टिविटी का जो तैयार हो रहा है, ये इसका इसका जो इसके जो हर स्टेप्स हैं वो आने वाले दिनों में हमको दिखेंगे। और मैं समझता हूँ क्योंकि इसके पहले कुछ और कॉरिडोर्स की बात हुई थी हमारे प्रतिवेशी राज्यों वगैरह ने, जो जिसकी वजह से दुनिया में काफ़ी डिस्टर्बेंस आया था, उसको काउंटर करते हुए ये कॉरिडोर की जो घोषणा है, मैं मानता हूँ कि दिल्ली डिक्लेरेशन के साथ साथ इसका भी बहुत बड़ा अहमियत, क्योंकि इससे आप अगर इसका कल्पना कीजिए, अगर हम रेल लिंक की ही बात करें या फिजिकल कोई भी कॉरिडोर की बात करें, तो ये किन देशों के बीच में से जा रहा है और उससे भारत की क्या, भारत क्या मैसेज, क्या क्या संदेश दे रहा है दुनिया को कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर जी, उसका एक बहुत बड़ा सशक्त रूप में देशों को अपने 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 कोऑपरेशन के लिए हाथ बढ़ाना पड़ा। तो मुझे तो लगता है कि ये इसकी घोषणा का जो 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 हर स्टेप्स होंगे इसके इसके बड़े बिंदु में इतने सारे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह के छवि आएंगे कि वो पूरी दुनिया के, जैसे मैं कह रहा था कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए ये अभी थोड़ी देर पहले संजय जी बोल रहे थे कि इस पूरे हताशा का जो एक, एक, एक जो एक जो माहौल था उसको बदलने में ये बहुत बड़ा कामगार स्टेप कदम सिद्ध हुआ जी। बिल्कुल, और मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, और ये आप देख सकते हैं कि भारत मंडपम में रात्रि भोज के आयोजन के समय प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विश्व नेताओं का स्वागत करते हुए, और ये एक मौका है भारत के की समृद्ध विरासत के साथ भी रूबरू कराने का, परिचय सिर्फ उस लिहाज से नहीं जहाँ पे दो देशों के नेता मिल रहे हैं बल्कि दो देशों की संस्कृतियों को भी आपस में जोड़ने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण, और वसुधैव कुटुंबकम का पीछे लिखा हुआ मंत्र अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। मिस्टर भट्टाचार्य जी, आपको लगता है कि अफ्रीकन यूनियन को एक स्थायी सदस्य के तौर पर भारत की प्रेसिडेंसी में शामिल कराना एक इतिहास लिखा गया, क्योंकि भारत की ये प्रयास था, और एक यूनियन आप भले ही कह दें लेकिन वो 54-55 देश हैं और कितनी बड़ी आबादी है, उसको एक ऐसा मंच देना जहां पे वो विश्व के साथ में बैठ के बात रख सकता है, आपको लगता है कि इंक्लूसिव ग्रोथ की जब बात की जाती है या सबकी बात को मंच देने की जब बात भारत करता है, उसका एक उदाहरण या जीवंत उदाहरण आज देखने को मिला, इतिहास लिखा गया? ये G20 दो चीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। पहला ये है कि ये एक डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अप्रोच रहा है, जैसे कि हम लोग जब आमंत्रण किया देशों को, हम लोगों ने 9 इमर्जिंग देश, अपने नेबरिंग कंट्रीज को आमंत्रण किया G20 के मीटिंग्स में भाग लेने के लिए, और अब ये जो अफ्रीकन यूनियन का जो परमानेंट इंक्लूजन हुआ है G20 में, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि एक्चुअली हमारे विश्व का भविष्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और अफ्रीका ये ऐसा भी कॉन्टिनेंट है जो कि सबसे निग्लेक्टेड है। तो हमारे भारत के नेतृत्व में जो अफ्रीकन यूनियन को इस संगठन में शामिल करना, मेरे ख्याल में ना सिर्फ G20 के लिए, ना सिर्फ अफ्रीकन यूनियन के लिए, लेकिन हमारे विश्व के भविष्य के लिए
बहुत महत्वपूर्ण है जी। शुभोमय जी, आपको लगता है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भारत की देर से पहुंचने की बात को लेकर या कुछ अन्य देशों की पहले पहुंचने की बात को लेकर कई प्रकार की चर्चाएं लगातार होती रही, लेकिन भारत के इस प्रयास से आपको लगता है कि भारत की मौजूदगी पूरे कॉन्टिनेंट में एक और मजबूती के साथ अब देखने को मिलेगी, एक बदले हुए परिदृश्य में देखने को मिलेगी? खासकर अभी इसके कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने दक्षिण बोल के एक नया आयाम का घोषणा किए थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो किस तरीके से ग्लोबल साउथ के जो देश हैं उनके बीच में आपसी तालमेल, आपसी नॉलेज शेयरिंग का जो एक माहौल तैयार होगा उसका कैसा रूपरेखा वो चाहते हैं। और उसके साथ अगर आप देखें कि अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने से वो सारी चीज़ें एक साथ हो गई, कि यानी कि ये कोई जिसे कहते हैं लेंडर और बोरोअर का रिलेशनशिप नहीं है, ये एक डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट, यानी कि उनके सारे देश एक साथ में अपने अपने शक्ति को पूरा इस्तेमाल करते हुए आगे चले। जैसे दिल्ली डिक्लेरेशन में एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट जो दिया गया उसमें, कि चॉइस ये नहीं होना चाहिए कि क्लाइमेट के वो जूझने के लिए देश गरीबी और क्लाइमेट फाइट के बीच में फंस जाए, बल्कि ये कि उनके डेवलपमेंट में हम बाकी सारे देश साथी बने, उनके साथ जुटाएं। ये सारे कंसेप्ट्स जो हैं ये वन वर्ल्ड वन फैमिली का एक जैसे कि क्रियान्वयन करने का एक बहुत बड़ा अहम कदम। तो इसके लिए जो जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि अफ्रीकन यूनियन को साथ में लाने का और उनकी जो ज़रूरत है उनको हाई टेबल में सामने लाने का ये बहुत बड़ा स्टेप है। एक चीज़ की तरफ मैं आपका ध्यान इसमें आकर्षित करूँगा कि बहुत बारी कहा जाता है कि G20 और UN के बीच में क्या संबंध है, पारस्परिक संबंध है। G20 का महत्व इसमें है कि G20 में दुनिया के सबसे बड़े देश जो हैं 19 देश अभी तक अफ्रीका यूनियन जो गए हैं, जो उनमें सबसे बड़े देश हैं, ये एक साथ में इनके लीडर्स एक साथ में बैठ के बात करते हैं हर साल। तो इनकी जो डिसीशंस होते हैं, इनकी जो पारस्परिक जो संबंध होते हैं वो काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है, और इसीलिए ये चीज़ यूनाइटेड नेशन से काफ़ी थोड़ा बहुत हटके हैं मैं कहूँगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में इस तरीके से, हालांकि सोचा यही गया था कि यूनाइटेड नेशंस में बहुत सारे लोग आएंगे, सारे लीडर्स आएंगे, एक साथ में बैठेंगे, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है बहुत सारी वजह से। लेकिन ये यहाँ पे जो फास्ट डिसीशन मेकिंग का एक जो परंपरा शुरू हुआ है, और हर बारी क्राइसिस में 2008 से लेकर हम देख रहे हैं जी, कि 28 एक 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 निर्णायक के रूप से सामने आ रहा है दुनिया में, अर्थव्यवस्था को, दूसरी सारी चीज़ों को, कोविड के समय में जैसे हेल्थ इमरजेंसी को संभालने के लिए, या उसके बाद जैसे अभी ये जो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ वहाँ पे दिशा देने के लिए इस बारी के डिक्लेरेशन में, ये सब चीज़ें बहुत माने रखते हैं। मैं खासकर आपका करूँगा कि इस बारी का जो डिक्लेरेशन है उस डिक्लेरेशन में कोई फुटनोट या कोई अपेंडिक्स डिसेंटिंग नोट्स नहीं है, ये बहुत बड़ा चीज़ है इस बारी दुनिया में जी। ये आप बहुत महत्वपूर्ण बात करें, डिसेंडिंग नोट्स नहीं है, और कंसेंसस भारत के निगोशिएशन कैपेबिलिटीज को भी दिखाता है कि तमाम डिफरेंसेस के बाद भी, प्रधानमंत्री ने कहा ना कि ग्लोबल डिस्ट्रस्ट वाली एक तरीके से स्थिति आती है जहां पर विश्वास की कमी देखने को मिलती है, लेकिन ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट की जो उन्होंने बात की उसको दूर करने की जो बात की जा रही है। एम्बेसडर भट्टाचार्य, हम देखते हैं मल्टीलैटरल फोरम्स जब होते हैं, और पिछले कुछ दिनों में बदलती जियोपॉलिटिक्स के तहत हमने देखा कि उनकी प्रासंगिकता पे भी सवाल हो रहा है, साथ ही साथ वो कुछ बहुत बड़े निर्णय लेने की तरफ कुछ अड़चन दिखाई दे रहे हैं जिसका कारण बन रहा है जियोपॉलिटिक्स। आज ऐसे समय जब वैश्विक अर्थव्यवस्था पर एक संकट है, तमाम देश बहुत सारी आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं, ऐसे में अगर भारत G20 के पहले दिन कुछ बड़े मकसद निकालने में कामयाब हो जाता है तो इसे आप क्या मानते हैं? देखिए, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस जो है आज के दिन पे, वो ज़्यादातर जो UN और उसके बॉडीज़ हैं वो दूसरे महायुद्ध के बाद बने हुए थे, और वो 20वीं सदी के जो परिस्थिति थे उसके अनुसार बनाए गए थे।
आज 21वीं सदी में हालात बहुत बदल चुके हैं, ग्लोबल साउथ का एक बहुत अहम रोल बन चुका है, इमर्जिंग नेशंस जो है जैसे कि इंडिया, इनका रोल ग्लोबलाइजेशन में और ग्लोबल डिसीजन मेकिंग में बहुत बढ़ चुका है, लेकिन वो मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म का जो डिसीजन मेकिंग है, चाहे वो यूएन हो या वर्ल्ड बैंक आईएमएफ हो, उस पर पूरी तरह से रिफ्लेक्टेड नहीं है। इसीलिए हम लोग बहुत दिन से कह रहे थे कि उनमें भी रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है। G20 का भी आप अगर शुरुआत देखें, वो G7 से G20 बना था, और इसलिए बना था क्योंकि G7 वो फाइनेंशियल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस जो हो रहे थे 20वीं सदी के एंड में, उनको वो सही करने के लिए सक्षम नहीं थे, और उन्होंने रियलाइज किया था कि जो इमर्जिंग नेशंस है, इमर्जिंग इकोनॉमीज है, उनके साथ उनको मिलना चाहिए। तो ये एक जो सहयोग का जो दौर शुरू हुआ था, ये अभी जो क्योंकि हम ग्लोबल साउथ के मेन प्रतिनिधि है इंडिया, और हम लोग इस ग्लोबल साउथ को हम लोग एक नए तरह से एक वॉइस दिया है, प्रधानमंत्री जी ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट किया था जिसमें 125 देशों ने भाग लिया था, उसका जो निष्कर्ष निकला उसको आज हम भारत के तौर से G20 के सामने उसको सामने रखा, तो ग्लोबल साउथ का एक वॉइस बना। इसलिए मल्टीपोलैरिटी जो बन चुका है वो एक हकीकत है, लेकिन मल्टीलैटरलिज्म जो है उसके अनुसार अभी तक नहीं बदला है। तो ये अभी फ्लक्स का सिचुएशन है, अभी बदलाव का सिचुएशन है, जहाँ की मल्टीपोलैरिटी से पुश हो रहा है कि ग्लोबल साउथ, बाकी इमर्जिंग नेशंस जो है उनका वॉइस का अहमियत दिया जाए, और मल्टीलैटरलिज्म को उसके अनुसार बदलना है, रिफॉर्म करना है। ये है बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, और इस वजह से आज जो इंडिया का प्रेसिडेंसी है, सबसे महत्वपूर्ण हम कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन जो कि G20 है, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज साहब इस वक्त यहाँ पे आप दिखाई देख सकते हैं उनको, और निश्चित तौर से भारत और जर्मनी के संबंधों के लिहाज से कहा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि और इस वक्त प्रधानमंत्री चांसलर साहब को इस बात का जानकारी देते हुए कि पीछे आपके बैकड्रॉप में क्या है, और ये निश्चित तौर से नालंदा की ये तस्वीर अपने आप में बताने के लिए बहुत कुछ काफ़ी अपने आप में बयां करती है कि किस तरीके से भारत सदियों पुराना एक विश्व गुरु का जो उसको तमगा मिला हुआ है वो ऐसे ही नहीं है, लोकतांत्रिक जड़ें मजबूत रही हैं, तमाम प्रकार की एक स्थितियां परिस्थितियां ऐसी रही हैं जिसकी वजह से आज भारत को इस मुकाम तक लाने में उसकी लोकतांत्रिक जड़ों का एक बड़ा रोल है। बिल्कुल अरेंद्र, और नालंदा विश्वविद्यालय अगर ये बताता है कि कितनी समृद्ध भारत की शिक्षा पद्धति रही एक लंबे समय तक, और ये भी बताएगा कि इतिहास में किस तरह से बहुत सारे ऐसे प्रतिष्ठानों को नष्ट किया गया है, उन नष्ट करने के कारण क्या रहे हैं, और उसके बाद भारत की ये ताकत रही है कि वो एक बार फिर उसी तरह से उठकर आज की तारीख में जब 2047 में विकसित राष्ट्र होने का भारत एक संकल्प लेता है तो किस तरह से उसको लेके आगे बढ़ रहा है। एम्बेसडर भट्टाचार्य, हम बात कर रहे थे G20 में जो आज का दिन रहा उसमें जो तमाम सफलताएं सामने आई हैं, इकोनॉमिक कॉरिडोर जो लॉन्च किया गया है, क्या आपको लगता है कि दुनिया के तमाम ऐसे दो देश इस समय बहुत से आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं जिसमें कर्ज का संकट और उस जाल में फंसने का एक डर, और कुछ देश ऐसे जो फंस चुके हैं उनके निकलने के रास्ते के तौर पर भी इस मंच ने, क्योंकि ये आर्थिक मोर्चे का एक पूरा ये मंच है, तो उसने एक समाधान निकाला है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने जब कहा कि कनेक्टिविटी विभिन्न देशों के बीच आपसी व्यापार को तो बढ़ाती है, विश्वास को भी बढ़ाती है, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना होगा कि तमाम देशों की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान किया जाए, फाइनेंशियल वायबिलिटी को प्राथमिकता देना, उन्होंने कहा। प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि जैसे हम लोगों ने कोविड को ओवरकम किया है, वैसे ही हम बाकी सब जो समस्या है उनको भी हम ओवरकम कर सकते हैं, लेकिन ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको हमें पहले संभालना होगा, और इसके वजह से बहुत सारे जो इनिशिएटिव्स हैं, दो आपने इसका जिक्र किया, एक जो इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि मिडल ईस्ट से जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शुभमय का जो राय था उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। अभी जो आप देखते हैं कि एनर्जी सिक्योरिटी की ओर से मिडल ईस्ट का रीजन्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और अगर हम आगे डेवलपमेंट की ओर चले, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ये इकोनॉमिक एनर्जी सिक्योरिटी का जो अहम रोल है
उसको और कंसोलिडेट करना चाहिए, उसमें और एफिशिएंसी लाने की ज़रूरत है। और ये जो कोलैबोरेशन हो रहा है भारत के बीच और मिडल ईस्ट और आगे जाके यूरोप और वेस्टर्न प्रांतों की ओर, ये बहुत जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके साथ में उनकी जो बेटर हाफ है वो अपने आप में भारतीय परिधान में नजर आ रही है। तो शायद आप बता पाएंगे ये कौन सी साड़ी है जो उन्होंने पहनी हुई है। निश्चित तौर ये शायद बहुत ही सुंदर है, कांचीवरम साड़ी लग रहा है। लेकिन आपको शायद पता होगा कि किशिदा का भारत के साथ बहुत पुराना रिश्ता है, वो यहाँ पे बहुत बार आ चुके हैं, उनके जो ग्रैंडफादर थे वो भी यहाँ पे आ चुके थे, और भारत के साथ उनका बहुत गरीब रिश्ता था। एक जजपाल हुआ करते थे जिन्होंने एक राय निकाला था दूसरे महायुद्ध के बाद, जिसमें उन्होंने एक डिसेंटिंग वॉइस किया था, और वो एक नेशनल हीरो माना जाते हैं जापान में। और किशिदा का फैमिली इसमें भी कुछ बेनिफिशियरी है, वो भारत के साथ और प्रधानमंत्री के साथ उनका बहुत ही पर्सनल रिलेशनशिप है। सर ये जो तस्वीर सुबह, हाँ जो सुबह का जो मतलब वो जो पूरा माहौल था जिसमें बड़े सख्त और बड़े फैसले लेने थे, बड़ी वैश्विक चुनौतियां थी, लेकिन अब ये जो दृश्य हमें लगातार दिखाई दे रहे हैं, हमने कई राष्ट्राध्यक्षों और उनके साथ उनकी स्पाउसेस को देखा कि वो भारतीय परिधानों में दिखाई दे रही हैं, और ये जो एक अंदाज इस समय का है कितना महत्वपूर्ण होता है ऐसे मंचों पर जब अंतर्राष्ट्रीय इस तरह के समिट होते हैं, सम्मेलन होते हैं, उसमें इस शाम के इस रात्रि भोज की क्या भूमिका रहती है। आपने देखा होगा बहुत बहुत लोग नमस्ते भी कर रहे हैं, ये कोविड के दौरान हैंडशेक से नमस्ते का शिफ्ट जो है बहुत ही प्रोनाउंस्ड था, और इंटरनेशनल गैदरिंग्स में जिनीवा में न्यूयॉर्क में आप अक्सर देखते हैं कि आजकल लोग नमस्ते करते हैं हैंडशेक के बजाय। ये भारत का एक और दान है, क्योंकि हमारा जो एक सभ्यता है उसको हम जैसे ही शेयर करते हैं बाकी लोगों से, वो उससे प्रभावित होते हैं, चाहे वो योग हो या आयुर्वेद, चाहे वो नमस्ते हो या अपना जो फिलॉसफी हो। हम कहेंगे कि आज का जो चर्चा हुआ दिन भर, जिसमें आप कह सकते हैं कि हाँ टफ नेगोशिएशंस था, लेकिन एक जो सहयोग का जो स्पिरिट था वो बहुत स्पष्ट नज़र आया, और हमने देखा कि सब ने मिलकर एक बहुत ही शानदार डिक्लेरेशन का घोषणा किया है। और उसके बाद ये अभी एक क्या कहते हैं कि रिजॉइस करने का समय है जी। और भारत अपने सही रूप से इसका एक अनुभव दे रहे हैं। दिन भर की हार्डकोर डिप्लोमेसी के बाद में शाम को एंजॉय करने का वक्त है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। शुभमोहन भट्टाचार्य जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। शुभमोहन जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर भी दिल्ली डिक्लेरेशन में साफ तौर से बात कही गई, आपको लगता है कि 2030 के जिस लक्ष्य को लेकर दुनिया चल रही है उसमें हम काफी पीछे चल रहे हैं, हमसे मतलब दुनिया की हम बात कर रहे हैं, ऐसे में एक बार फिर से विश्व मंच से इस बात को रेखांकित किया जाना, भारत की ओर से और ज्यादा पुरजोर तरीके से उस बात को रखना, आपको लगता है कि दुनिया की प्राथमिकताओं में इस दिशा में और तेजी से कदम आगे बढ़ते नजर आएंगे, क्योंकि भारत का ट्रैक रिकॉर्ड इस दिशा में बहुत बेहतर है तमाम अन्य इवन विकसित देशों के माध्यम से भी अगर बात की जाए तो। बिल्कुल, और आप देखेंगे दिल्ली डिक्लेरेशन में कई अहम पैराग्राफ्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में जिक्र करता है, और साथ में चिंता भी जताता है कि हम मध्य अभी 2030 पहुंचने में 2023 में पहुंच गए हैं, यानी ऑलमोस्ट मिडल ऑफ द डिकेड है, और मैं उसी डिक्लेरेशन से ही पढ़ रहा हूँ, और जिसमें चिंता जाहिर किया गया है कि अभी भी SDG के बहुत सारे गोल्स में आशानुरूप प्रोग्रेस नहीं हुआ। ये एक साधारण इस तरह के डॉक्यूमेंट्स में इस तरह के चिंता का बयान इस तरीके से नहीं किया जाता है, लेकिन ये करना, और फिर से वही बात है कि ये G20 का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे दिस द सॉर्ट ऑफ द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी दुनिया में, तो इसके तरफ से ये चिंता जताना एक अपने आप ही दर्शाता है कि इसको कितना प्रमुखता दिया गया है, यानी इसको कितना आगे अग्रसर होने के लिए कितने सारे स्टेप्स लिए गए हैं। इसलिए अगर आप देखेंगे कि आगे ये डिक्लेरेशन के चलते बहुत सारे पैराग्राफ्स में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो पहलू हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो टारगेट्स हैं, जो जिन पर जिन देश जिस एजेंसीज को काम करना है उन पर जोर दिया गया है, उन पर आग्रह किया गया है कि वो अपना काम को और आगे बढ़ाए और फुर्ती से काम करे, ताकि
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो टारगेट्स हैं, और खासकर वो इतना जरूरी है क्लाइमेट चेंज के समय में कि एक तरफ तो क्लाइमेट चेंज के चलते ही बहुत सारे मुश्किलें दुनिया को सामने करना पड़ रहा है, उसके ऊपर अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो टारगेट्स हैं, यानी कि जो एग्जिस्टिंग जो कमियां हैं दुनिया में, जिसका जिक्र शुरुआत में किया गया, पॉवर्टी का, इनइक्वालिटी का, जेंडर इश्यूज का, इन सारी चीज़ों बिंदुओं का, इन सभी में जो कमियां हैं, तो वो अगर साथ उनको अगर ठीक नहीं किया जाए तो दुनिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। और चूंकि हम लोग जैसे हम अभी इस वक्त जो बात कर रहे थे कि G20 दिशा निर्देश करने के लिए दुनिया में इससे बड़ा मंच नहीं है, हालांकि G20 कोई बाइंडिंग डिक्लेरेशन नहीं देते हैं, एक इंडिकेशन देते हैं, लेकिन वो इंडिकेशन ही काफ़ी है, क्योंकि इंडिकेशन अगर महत्वपूर्ण नहीं होते तो इन सारे देशों के जो लीडर्स हैं वो इस तरह के मंच पर अपने साथ साथ खुद नहीं आते। तो ये कहना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो टारगेट्स हैं उन पर दुनिया कुछ हद तक पटक गया है, और ये सारे शब्द उसमें इस्तेमाल किया गया है कि वी हैव स्ट्रेन, ये सारे शब्द ये बताता है कि इसको कितना 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 गंभीरता से इसको लिया गया, कितना इस बारे में सोचा गया है, और कितना इस पर अमल करने के लिए दुनिया के देशों को किस तरह के कदम उठाने चाहिए उन पर ध्यान दिया गया है। मैं कहूँगा कि ये बहुत बड़ा डायरेक्शन है, फाइंडर है दुनिया के लिए, क्योंकि इन सभी चीज़ों पर कुछ जैसे कहते हैं जो इमीडिएट ज़रूरतें थी, जो इमीडिएट जो प्रॉब्लम्स थे पिछले कई सालों के, उनके चलते इन सभी चीज़ों से जो 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 इस तरफ जो प्रगति है उसका जोर काफ़ी कम हो गया है, और इसीलिए दिल्ली डिक्लेरेशन में डॉक्यूमेंट में इनका इस तरीके से बड़ी डिटेल में इनके बारे में वर्णन, इनके बारे में क्या क्या कदम उठाने चाहिए, उसका प्रिस्क्रिप्शन, इन सारी चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली मैं ये कहूँगा नरेंद्र कि दिल्ली डिक्लेरेशन की जो ये इस बारे के जो डॉक्यूमेंट है वो अपने आप में काफ़ी सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट है दुनिया के लिए। संजय भी जिसका जिक्र कर रहे थे कि इस बार का जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट ये बताता है कि बहुत सारे शॉर्ट स्टेप्स के बाद पहले काफ़ी सालों बाद एक दुनिया को फिर से एक डायरेक्शन फाइंडर के हिसाब से ये डॉक्यूमेंट सामने आया। ये सिर्फ एक देश या दूसरे देश का, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी उनका स्वागत करते हुए, निश्चित तौर से हम जानते हैं कि रूस के राष्ट्रपति इसमें शामिल नहीं हो रहे, उनके माध्यम से ये फैसला लिया गया था, लेकिन विदेश मंत्री के तौर पर सर्गेई लावरोव इस वक्त तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। हमने देखा था कई अन्य वैश्विक मंचों पर भी, ब्रिक्स में भी राष्ट्रपति पुतिन की जगह वहां पर लावरोव साहब ही मौजूद थे। शुभमोह जी, आपकी बात को पूरा करें। हाँ, तो इस एसडीजी का जो डिस्क्रिप्शन, मैं कहता हूँ दिल्ली और दिल्ली डिक्लेरेशन का जो अहमियत है वो दोनों अभी तो हम जिक्र कर रहे हैं, बहुत सारी उनके चीज़ों को लेकर हम आगे देखकर खुश होते हैं। मैं ये कहूँगा कि इस डिक्लेरेशन का महत्व अभी और भी ज़्यादा बिल्कुल होता नजर आएगा। बिल्कुल सर, मैं आता हूँ आपके पास। संजय भट्टाचार्य जी, आपसे एक रिएक्शन लेंगे, क्योंकि सर्गेई लावरोव साहब को हमने देखा पुतिन साहब की जगह, किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरे भू राजनीतिक स्थितियों के बीच में, हमारी मेजबानी के बीच में इन तस्वीरों को? आप जानते हैं कि ऐसे जो इंटरनेशनल गैदरिंग्स होते हैं, चाहे वो G20 हो या पहले ब्रिक्स हुआ था, हर एक देश अपना जो कौन प्रतिनिधि होगा वो खुद चुनते हैं, और उसका हम पूरा सम्मान करते हैं। और सर्गेई लावरोव तो भारत का बहुत ही पुराना मित्र भी है। हाल में आपने भी जिक्र किया था कि ब्रिक्स का जो समिट हुआ था, जो कि जोहान्सबर्ग में, उसमें भी पुतिन मौजूद नहीं थे, उन्होंने एक वीडियो मैसेज भेजा था हालांकि, बट सर्गेई लावरोव वहां भी थे। ऋषि सुनक इस वक्त ऋतु नजर आ रहे हैं, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, क्योंकि हमने देखा है कि कैसे भारत और भारतीयता के साथ में उनका जुड़ाव है, और हर भारतीयों को इस बात को लेकर फख्र भी है, क्योंकि भारतीयों को भी लगता है कि हाँ, भारत से जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति दुनिया के कितने बड़े बड़े
बड़े औहदों पे मौजूद हैं और दुनिया के बड़े मुल्कों को दिशा देने में एक बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। आप नमस्ते का जिक्र कर रहे थे, बिल्कुल उसी मुद्रा में ऋषि सुनक भी दिखाई दे रहे हैं। और यह भारत पहुंचने के बाद भी उन्होंने कहा कि भारत आने के उनके कई मायने हैं, उनका जो 2 से 3 दिन का जो प्रवास है उसमें बहुत सारे वो कार्यक्रमों के साथ आए हैं। ऋषि सुनक और उसके वाइफ दोनों ही भारत से जुड़े हुए हैं, भारतीय ही कह सकते हैं। वो एक प्रैक्टिसिंग हिंदू है, जो कि उन्होंने यूके के पार्लियामेंट में भी उन्होंने इसका जिक्र किया था। ये आज एक बहुत ही अनोखा समय है, जहाँ कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे देशों में पॉलिटिकल लीडरशिप में भी बहुत सारे भारतीय लोग हैं। प्रधानमंत्री के तौर पे यूके, आयरलैंड, पोर्चुगल, सुरिनाम, गायाना, सेशेल्स, मॉरिशस, इन सब के जो प्रधानमंत्री हैं सभी भारतीय ओरिजिन के हैं। यूएस के वाइस प्रेसिडेंट भी, उनका भी भारत से नाता है। अभी हाल में सिंगापुर का जो नए राष्ट्रपति चुने गए हैं वो भी भारतीय ओरिजिन के हैं। तो एक जो भारत का जो प्रभाव और एक ये शांतिपूर्ण एक जो संस्कृति का जो प्रभाव है, ये हम लोग बहुत सारे जगह में देख रहे हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें अपने आप में ऋतु बहुत कुछ बयां करती हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपनी पत्नी के साथ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुशनुमा माहौल में बातचीत होते हुए सभी के चेहरों पे मुस्कुराहट, और निश्चित तौर से ये आपसी संवाद जो है ये बहुत कुछ बयां इसलिए भी करते हैं कि जब माहौल ऐसा बेहतर हो तो आगे बातें ट्रांसलेट होती भी नजर आती है। तमाम जो रुके हुए ठहरे हुए बातें होती हैं, फैसले होते हैं, वो आगे जमीन पर उतरते भी नजर आते हैं। जब शीर्ष नेताओं में इस प्रकार की केमिस्ट्री होती है, इस प्रकार की बातचीत होती है, और ब्रिटेन के लिहाज से अगर बात की जाए तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर जो लगातार निगोशिएशंस चल रहे हैं, निश्चित तौर से बहुत जल्द ही वो अपने अंतिम रूप में पहुंचते नजर आएंगे। हमारे साथ में शुभमोय भट्टाचार्य जी भी जुड़े हुए। शुभमोय जी, आपको लगता है कि ब्रिटेन के साथ में अगर संबंधों के लिहाज से बात की जाए तो उस दिशा में तेज गति से प्रगति की उम्मीद सभी लोग लगाए हुए हैं? शुभमोय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अम्बेसडर संजय, ये तस्वीरें तो बता रही हैं, भारत ने G20 से विमेन लेड डेवलपमेंट की भी बात की है। क्या आपको लगता है कि पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति भारत की, और जब भारत तमाम और देशों को देखता है जहां महिलाओं के प्रतिनिधित्व और शीर्ष नेतृत्व में आज भी महिलाएं नहीं हैं, वो देश अभी उस कतार में काफी पीछे हैं जब वो ये कह सके कि हमारा राष्ट्राध्यक्ष एक तरह से महिला है, क्या आपको लगता है कि भारत कई मायनों में तमाम उन देशों को पीछे छोड़ता हुआ भी अपनी प्रगति के कई रास्ते दिखाता हुआ दिखता है? हमारे जो डेवलपमेंट का प्रोसेस था, इसमें इंक्लूजन एक बहुत महत्वपूर्ण अंश था। और इंक्लूजन जब हम कहते हैं, वो हम हर एक तरह से इंक्लूजन की बात करते हैं, जेंडर का भी कहते हैं, महिलाओं का उनमें आना बहुत ही अनिवार्य था। और आज जो हम देखा है कि ये दिल्ली डेक्लेरेशन में इसका स्पष्ट जिक्र किया गया है, 2 पैराग्राफ में इसके बारे में कहा गया है। एक था कि जो वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स है बिजनेस में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में, उनको और बढ़ाना चाहिए। और एक ऐसा इनफॉर्मल एक टारगेट भी रखा गया है कि हाल में हमको इसको और आगे लेना चाहिए। ये तो सबको पता है कि जब नारी को हम लोग उनका सही दर्जा देते हैं तो समाज का कल्याण होता है। और आज शुरुआत में भी जब प्रधानमंत्री जी ने G20 का इनॉग्रेशन किया था, उन्होंने एक जिक्र किया था कि एक स्तंभ के बारे में, जहाँ पे समाज कल्याण, और समाज कल्याण का मूल नारी से आता है, और ये भारतीय परंपरा है, ये तो हमारा पुराना रिवाज है कि नारी को सेंटर में रखना। बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं भारत की विविधता को भी दर्शाता है, क्योंकि भारत भौगोलिक रूप से ही नहीं बल्कि तमाम तरह की संस्कृतियों के समावेश के साथ में भी भारतीयता को समाहित करके आगे बढ़ने का नाम है। भारत वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, मेहमान भगवान समान है, और किस तरीके से पूरी पृथ्वी को एक घर परिवार के तरीके से मानने की भावना के साथ जब हम आगे बढ़ रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र हमने समाहित किया हुआ, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की हम बात करते हैं, ऐसे में
जो सामाजिक चुनौतियां, आर्थिक चुनौतियां, राजनीतिक चुनौतियां दुनिया के सामने है, कैसे उसका एक समाधान दिया जाए। दिन भर हार्डकोर डिप्लोमेसी होती है, लेकिन पहला सत्र खत्म होने से पहले ही एक सहमति बनती नजर आती है। प्रधानमंत्री घोषणा करते हैं कि दिल्ली डिक्लेरेशन को लेकर लीडर्स के बीच में सहमति बनी है। ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की लीडरशिप को भी दर्शाता है। अमजद भट्टाचार्य जी, आपको लगता है कि इन तमाम निगोशिएशंस के बाद में जब डिक्लेरेशन, जब सहमति हुई है, तो कहीं ना कहीं भारत के बढ़ते कद रसूख को भी दिखाता है, प्रधानमंत्री के बढ़ते एक वैश्विक नेता के तौर पर स्वीकारता को भी दिखाता है, और जब हमारा एक प्रभाव बढ़ता है तो दुनिया का हमको देखने के प्रति एक नजरिया भी पॉजिटिव तरीके से बदलता है। आपको लगता है कि ये तमाम बातें आज के द्वारा जो कुछ भी हुआ उससे परिलक्षित होती है, दिखाई पड़ती हैं? आप अगर इस बार का न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को देखें, और पहले भी इसका जिक्र हुआ था कि इसमें कोई रिजर्वेशंस नहीं है, कोई ऑब्जेक्शंस नहीं है, ये एक यूनानिमस कंसेंसस बेस्ड डॉक्यूमेंट है। ये ऑब्वियसली एक हमारा जो डिप्लोमेसी का, हमारे नेगोशिएशंस का, हमारे लीडरशिप का एक प्रतीक है। आप देखिए, पिछली बार जब बाली में डिक्लेरेशन रुक गया था, दो मसले थे, एक था डेट के बारे में और दूसरा था यूक्रेन के बारे में। डेट के बारे में मसला नहीं सुलझा और उसमें एक रिजर्वेशन लिखा गया था, और यूक्रेन के बारे में आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि ये ईरा युद्ध का ईरा नहीं है, और उससे फिर वो डिक्लेरेशन फिर कंसेंसस में पहुंचा। इस बार भी आप कह सकते हैं कि हमारा जो भारत का जो नेतृत्व है उसके वजह से ये प्रभाव आया G20 के बाकी मेंबर्स पर कि एक दिल्ली डिक्लेरेशन को फॉरवर्ड लुकिंग, एक होपफुल आशा का। ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो साहब इस वक्त यहाँ मौजूद है, क्योंकि प्रधानमंत्री अभी आसियान देशों में पहुंचे थे, और वहां पर इंडोनेशिया क्योंकि आसियान का चेयर था तो प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया था। आसियान इंडिया शिखर सम्मेलन हुआ, उसके बाद में ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी इंडोनेशिया ने की थी। प्रधानमंत्री मोदी इतने व्यस्त कार्यक्रम के बीच में भी समय निकाल के पहुंचे थे, और उसके बाद वहां से वापस आए अब तमाम मेहमानों की मेजबानी करने के लिए। संजय भट्टाचार्य जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त साझा करने के लिए। लेकिन इस बीच में एम्बेसडर राजीव कुमार भाटिया जी भी हमारे साथ में जुड़ गए, खास मेहमान। सर, बहुत स्वागत है मिस्टर भाटिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये तस्वीरें लगातार जो आगे बढ़ती दिखाई पड़ रही है मेहमानों के आने का सिलसिला, और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की मौजूदगी, भारत आसियान संबंध, अभी हाल में ही प्रधानमंत्री की यात्रा, ये भी हमारे लिए एक बड़ा लुक ईस्ट की से आगे बढ़ते हुए एक्ट ईस्ट की पॉलिसी को दिखाता है। मिस्टर भाटिया जी, हाँ, ये आपने जो इस समय बात की है मुख्य रूप से G20 की, मगर साथ ही साथ आप उसमें बीच में हमारे दक्षिण पूर्व एशिया में जो प्रधानमंत्री की यात्रा हुई थी उसके बारे में ले आए, बड़ा अच्छा किया है। क्योंकि देखा जाए तो पिछले 10-12 दिनों में इस समय जो पॉलिटिकल लीडरशिप का और इंडियन डिप्लोमेसी का जो स्पेक्ट्रम, पूरा का पूरा क्षेत्र देखने को मिला है, वो वास्तव में सराहनीय है। सबसे पहले ये यात्रा शुरू हुई ब्रिक्स में, जहां पर प्रधानमंत्री जी गए और वहां पर बड़े अहम फैसले लिए गए, खासतौर से ब्रिक्स को एक्सपेंड करने का, यानी उसको बढ़ाने का। उसके पश्चात जैसा आपने स्वयं कहा, दूसरी बार ये बहुत ही सराहनीय बात रही और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को बहुत अच्छा लगा कि अपने घर में इतनी बड़ा सम्मेलन होने जा रहा था 9 और 10 को, फिर भी प्रधानमंत्री 7 तारीख को एक 24 घंटे की तकरीबन यात्रा करते हुए जकार्ता पहुंचे, और वहां पर भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और उसके पश्चात अब जब यहाँ पर आए, और 2 दिन का सम्मेलन था, और बहुत विशेषज्ञ या पत्रकार इत्यादि ये कह रहे थे कि साहब बड़ी मुश्किल हो रही है, और समझौता होगा कि नहीं होगा, होगा भी तो बिल्कुल अगले दिन, दूसरे दिन, आधी रात के समय होगा। उन सब बातों को झुठलाते हुए, उन सब बातों को असत्य जाहिर करते हुए, पहले ही दिन दोपहर में सारी बातों को देखते हुए दिल्ली, नई दिल्ली घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। ये मैं समझता हूँ अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। एम्बेसडर भाटिया, आपने जिक्र किया कि इस बात का कि दिल्ली डिक्लेरेशन को लेकर जिस तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे, या फिर मीडिया में जो खबरें आ रही थी, क्या आप इसको मानते हैं भारत की एक सफल कूटनीति,
तमाम देशों के साथ जो संबंध है और विश्व कल्याण का संदेश जो समय समय पर भारत ने दिया, वो कोविड का दौर रहा, कोविड के दौर के बाद जिस तरह से फूड सिक्योरिटी को लेकर जो एक समस्या देश के सामने दुनिया के सामने आई, उसमें भारत एक वैश्विक हल के तौर पर सामने आया। क्या ये तमाम वो प्रयास रहे जिसने भारत की उस भूमिका को और मजबूत किया और आधार दिया जिस पर आज दिल्ली डिक्लेरेशन पर सहमति तमाम देशों की सामने आई? मैं इस बात को मानता हूं और मैं ये कहना चाहूंगा कि इन चीज़ों को हम दो पहलुओं से देख सकते हैं, राजनीतिक दृष्टि से और आर्थिक मुद्दे जो कि G20 का मुख्य काम है उस दृष्टि से। राजनीतिक दृष्टि से भारत का जो इस समय दृष्टिकोण है वो वास्तव में एक मिडिल पाथ को फॉलो करने का रहा है, और ये खास तौर से जब यूक्रेन का युद्ध हुआ तो उस समय देखा गया था, और आज उसका नतीजा है कि हम रूस का समर्थन प्राप्त कर सके। रूस को कभी भी हमने कितना ही प्रेशर पड़ा दिल्ली के ऊपर, भारत के ऊपर, मगर उसको हमने उसकी पब्लिक रूप में आलोचना नहीं करी। जो कुछ भी हमें उससे कहना था हमने अंदरूनी तरीके से कहा, और साथ ही साथ ये कहा कि रूस एक बड़ा देश है, हमारा मित्र है, उसकी हम आलोचना नहीं कर सकते। उसका जवाब ये हुआ कि आज रूस ने जब ये देखा कि भारत के लिए G20 के लिए दुनिया के लिए ये घोषणा पत्र जारी करना ज़रूरी है, तो उन्होंने अपना सहयोग दर्शाया, और जो ही उन्होंने अपना सहयोग दर्शाया दूसरा देश जिससे थोड़ा भय था, जिससे चिंता थी, चीन, वो भी सामने आया और उसने भी समर्थन जाहिर कर दिया। तो ये तो हुआ राजनीतिक और कूटनीतिक दृष्टि से जी। आर्थिक दृष्टि से हम ये जरूर कह सकते हैं कि जो भी हमने 7-8 मुख्य मुद्दे चुने थे, हमारी सरकार ने जो मुख्य मुद्दे चुने थे, वो सब ऐसे मुद्दे थे जिसके ऊपर दुनिया के एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है जिसे ग्लोबल साउथ कहते हैं उसके हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। ये मात्र भारत के लिए नहीं था, विकासशील देशों के लिए था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, एम्बेसडर भाटिया आपको जरा सा रोकना चाहेंगे, इन तस्वीरों के बारे में बात कर लें और फिर हम आपके पास सवालों पर आते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति, और हमने ध्यान है कि अभी जुलाई महीने में ही प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस की यात्रा हुई थी जहां पर वो वहां पे मेहमान बने थे और उनको वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिला था, और ये भारत और फ्रांस के बढ़ते रिश्तों को दर्शाता। और इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जी को समझाते हुए कि पीछे बैकड्रॉप में क्या है। ये बैकड्रॉप में नालंदा की तस्वीर है। नालंदा वो ज्ञान का कुंज है जो कितने सदियों पहले एक तरीके से भारत ने स्थापित किया था, जिससे न सिर्फ भारत बल्कि पूरा क्षेत्र कहीं ना कहीं उसको ज्ञान मिलता था, और वहाँ पे भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, इस पूरे इलाके के लिहाज से अगर देखा जाए तो वो भी दिखाई पड़ते हैं। और जब भारत ये कहता है कि ये युद्ध का नहीं बुद्ध की बात को मानते हुए शांति को स्थापित करने का युग है, तो ये निश्चित तौर से उस तस्वीर से भी निकलती हुई एक उम्मीद की किरण है जो आज दिखाती है कि हम उतने पहले भी अपने मूल्यों के साथ जुड़े थे। सदियों पुरानी 5वीं से 12वीं शताब्दी के बीच अगर लिहाज से बात की जाए, और आज भी हम उन लोकतांत्रिक परंपराओं के साथ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, और फ्रांस के साथ भारत की बढ़ती दोस्ती ये अपने आप में दिखाता है किस प्रकार से भारत और फ्रांस के रिश्तों में एक नई गहराई आई है। अमिताभ जी, भाटिया जी, हम इन्हीं तस्वीरों में समझना चाहेंगे भारत और फ्रांस के लगातार बढ़ते रिश्ते, आपसी समझ, और ये महज व्यापारिक रिश्ते नहीं है बल्कि तमाम मसलों पर बढ़ती समझ ये दिखाती है कि ये बात अब एक और स्तर ऊपर है जहां पे हमारी समझ आगे है और फ्रांस भी हमको अहमियत किस स्तर की देता है। मिस्टर भाटिया जी, हाँ, फ्रांस हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सामरिक पार्टनर के रूप में न केवल आज या कल से बट बहुत वर्षों से रहा है, और उसका मुख्य कारण यही है कि दोनों देश, फ्रांस और भारत, हमेशा ये मानकर चलते रहे हैं कि दुनिया में हमेशा मल्टीपोलैरिटी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, और जो भी देश हैं वो अपनी विदेश नीति को स्वतंत्रता से उसको बना सकते हैं और उसका कार्यान्वयन कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा बड़ा एकता का बल है जो हम दोनों को साथ रखता है। इसके अलावा बाकी तो और बहुत सारी बातें हैं जो आपने स्वयं कही हैं, संस्कृति, कला, इतिहास, जनता से जनता का मेल, वो सब जरूरी है। और मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि फ्रांस के बारे में थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ। सबसे पहली पोस्टिंग मेरी भारतीय एम्बेसी पेरिस में ही हुई थी जी। वहाँ पर फ्रेंच भाषा सीखने का अवसर मिला था, और उस जमाने से आज के ज़माने तक फ्रांस में जो भारत के प्रति दृष्टिकोण है, भारत के प्रति जो परसेप्शन से छवि है, वो पूरी तरह से
बदल चुकी है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज जो सम्मेलन हुआ है उसकी सफलता में हमारे जो मुख्य देश हैं उनका हाथ रहा है। फ्रांस का जरूर इस बारे में सर मैं एक चीज इसी के साथ आपसे जोड़ के पूछना चाहूंगा, क्योंकि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर की भी आज लॉन्चिंग हुई है, इसकी शुरुआत हुई है, फ्रांस के राष्ट्रपति की भी मौजूदगी वहां पे थी तमाम विश्व नेताओं के साथ में। ये जो कनेक्टिविटी का बढ़ता दायरा है भारत से लेकर मिडिल ईस्ट और यूरोपियन देशों तक, ये आपको दिखाता है कि कनेक्टिविटी को लेकर किस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये सिर्फ आपसी जुड़ाव ही नहीं बल्कि कई प्रकार के संदेश भी अपने आप में दुनिया भर को देता है, किस तरह से आप देखते हैं इसको? जी हाँ, वेस्ट एशिया जो है या जिसे मिडिल ईस्ट कुछ लोग कहते हैं, ये एक ऐसा क्षेत्र है जो कि यूरोप और भारत के बीच में है। भारत का इससे ऐतिहासिक संबंध रहा है और ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर या कनेक्टिविटी कॉरिडोर की बात आज आगे बढ़ी है। दो बातें मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये प्रत्यक्ष रूप से G20 का प्रोजेक्ट नहीं है, मगर G20 के सम्मेलन का पूरा लाभ उठाते हुए जो भी संबंधित देश थे उनके नेताओं ने अपनी अलग से बैठक में शामिल होकर और पहले से जो तैयारी का काम चल रहा था उसको आगे बढ़ाते हुए अपना अनुमोदन किया है। और इसकी आपने जैसा स्वयं कहा, इसके आर्थिक जो लाभ होंगे वो न केवल क्षेत्र को होंगे बल्कि उसके जितने भी पार्टनर्स होंगे उनको भी मिल सकता है। हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये बिल्कुल अभी शुरुआत है इस प्रोजेक्ट की, समय लगेगा मगर इसके परिणाम अंत में सभी देशों के लिए, उनके लोगों के लिए, उनके बिजनेस के लिए और उनके नेतृत्व के लिए अच्छे होंगे ऐसा माना जाता है। ख़ास तौर से इसलिए क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत बरसों से लड़ाइयाँ होती रही हैं और यदि अब ये क्षेत्र पूरी तरह से विकास के रास्ते पर चल पड़ेगा, विकास पर अपना फोकस करेगा, तो निस्संदेह शांति बनाने के यत्न में जो भी पुराने संघर्ष हैं वो धीरे धीरे समाप्त होंगे, ऐसी आशा कर सकते हैं। जी अम्बेसडर भाटिया, हम बात कर रहे हैं लगातार जिस तरह से आज रात का रात्रि भोज का आयोजन हो रहा है, हम ये भी देखते रहे हैं कि पिछले अगर हम 10 साल की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो तमाम आमंत्रित देश हैं G20 में, इनमें से बहुत से ही देशों के साथ और लगभग सभी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध भी हैं। क्या आप ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री अपने जब दौरे करते रहे हैं इन तमाम देशों में तो भारत की संस्कृति को इन देशों से जोड़ते रहे हैं? आज जब ये तमाम राष्ट्राध्यक्ष भारत पहुँचते हैं, दिन भर की बड़ी मुलाकातों और ठोस मुद्दों पर मंथन के बाद ये जो वक्त है रात्रि भोज का, मुलाकातों का, क्या आपको लगता है ये भी एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी में एक बड़ी भूमिका अदा करते हैं? निस्संदेह मैं एक स्कॉलर के रूप में, क्योंकि मैं तो बहुत बरसों पहले विदेश सेवा से रिटायर हो चुका हूँ, मगर पिछले 13-14 सालों में रिसर्चर, स्कॉलर, थिंक टैंक लीडर के रूप में काम करता रहा हूँ, तो स्कॉलर के रूप में मैं ये कह सकता हूँ कि आज भारत के पास एक फॉरेन पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर है, यानी एक ऐसा प्रधानमंत्री जो बहुत सक्रिय विदेश नीति में विश्वास रखने के लिए सारी दुनिया में जाना जाता है। और ये विशेष रूप से एक हमारे लिए बड़ा एसेट है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों के नेताओं से एक बहुत गहरे व्यक्तिगत संबंध बना लिए और उसका परिणाम ये है कि अगर कोई मसला अधिकारियों के स्तर पर, डिप्लोमेट्स के स्तर पर नहीं सुलझ पाता है तो जब राजनीतिक नेताओं के स्तर पर जाता है तो उसको सुलझने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। और ये आज ही हमने देखा, जब आज इतिहास बना, जैसा मैं कह रहा था कि एक तरफ तो लोग सोच रहे थे कि साहब दूसरे दिन के अंत में 12 बजे रात तक भी अगर घोषणा पत्र छप जाए तो बहुत बड़ी चीज़ होगी, मगर तकरीबन 24 घंटे पहले इस परिपेक्ष में कि पिछले 9 महीनों में ना ऑफिशियल स्तर पर ना ही मंत्रियों के स्तर पर एक भी नॉट ए सिंगल कॉन्सेंसस डॉक्यूमेंट हैड इमर्ज्ड, तो उस परिपेक्ष में हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे एकाएक इतने बड़े मामलों पर सारे पूरे 100% कॉन्सेंसस से समझौता हो गया। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्कॉलर्स मानेंगे कि इसमें प्रधानमंत्री की भूमिका अहम भूमिका है हमारे देश के राजनीतिक
मिस्टर भाटिया, एक चीज मैं इस वक्त आपसे जरूर समझना चाहूंगा, क्योंकि हम देखते हैं कि जब डिप्लोमेसी की बात होती है तो उसमें बहुत सिंबलिज्म भी एक तरीके से दिखाई पड़ता है, जहां एक प्रतीकात्मक एक बहुत मायने रखती है वस्तुएं और चीजें। इस वक्त हम रात्रि भोज का जिक्र कर रहे हैं, तो मेन्यू में खाने की मेज पर क्या क्या चीजें हो सकती हैं, इसको लेकर आपको लगता है कि भारत जिन बातों को आगे रखता रहा है, क्योंकि मिलेट्स की बात करते हैं हम, श्री अन्न की बात करते हैं, आपको लगता है कि ये तमाम चीजें भी कहीं ना कहीं उस मेज खाने की मेज पर होंगी जो भारत दुनिया के सामने रखना चाहेगा कि साहब ये भी समाधान है, अगर आप मिलेट्स के माध्यम से आगे बढ़ेंगे तो खाद्य सुरक्षा भी होगी, इसके अलावा आप पर्यावरण संतुलन भी बना सकते हैं, आप श्री अन्न के तरीके से भारत ने कैसी अपनी योजनाओं में इसको शामिल किया है, इसका भी एक संदेश हो सकता है, आपको लगता है कि ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं शामिल हो सकती हैं? ये बहुत सारी नई बातें हैं जो कि हमारी डिप्लोमेटिक कंडक्ट में सामने आई हैं, और उसका मुख्य कारण मैं समझता हूँ यही है जो मुझे अभी 3-4 दिन पहले एक प्रश्न का उत्तर देते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने स्वयं मुझे बताया था, और वो यही था कि जो हम देश में अपनी नीतियों का पालन कर रहे हैं उसी से जुड़कर हम विदेश नीतियों का पालन करें, यानी उदाहरण के रूप में यदि हम सामाजिक न्याय को लाने का भारत में प्रयत्न कर रहे हैं तो वही हम प्रयत्न भारत भी बाहर भी करें, तो या जो हम चीज़ें जिसका हम कह रहे हैं या उद्देश्य दे रहे हैं उसको हम कार्यान्वित भी करें। तो मुझे मालूम है कि मीडिया का बहुत रुचि है कि भाई आज का मेन्यू रात्रि भोज का मेन्यू क्या होगा, तो इस बारे में आपको अच्छी तरह से पता है कि ये सब कुछ निर्णय मेजबान अंत में लेते हैं, राष्ट्रपति ने स्वयं उनको उनसे सलाह लेकर मेन्यू बना होगा, सारी तैयारियां हुई होंगी, और यदि उसमें हमने कुछ नई चीज़ें रखी हैं मिलेट के बारे में कुछ डिशेज बनाई हैं तो ये पहली दफ़े नहीं होगा, पहले भी हाल के हफ्तों में ये बात की गई है, और उसका एक एक प्रतीकात्मक महत्व है, सिम्बॉलिक इम्पोर्टेंस है, और मैं समझता हूँ कि ये भी हमारे जो मेहमान हैं जी वो उसको अच्छी तरह से देखेंगे और समझेंगे। सर अभी हमारे प्रधानमंत्री जब हाल के समय में अमेरिका गए थे तो हमने देखा था कि जब स्टेट डिनर के समय जो खाना परोसा गया था उसमें भारतीय रंग साफ तौर से दिखाई पड़ रहे थे, भारत के प्रतीकों को भी किस तरह से खूबसूरती से सहेजा गया था, क्योंकि एक मौका होता है कि आपको अपने आप को प्रदर्शित करने का, मेहमानों के सामने रखने का, और कैसे आपका एक डाइवर्स कल्चर है उसको भी कहीं ना कहीं समाहित करके आगे बढ़ने का, तो निश्चित तौर से ये भले ही खाने की मेज होगी लेकिन उसके माध्यम से भी आप भारत की विविधता को शोकेस कर सके, बता सके कि साहब हमारे अंदर या हमारी जड़ों में इस प्रकार की एक मजबूती शामिल रही है और उसका हम एक प्रदर्शन आपके सामने कर सकते हैं आपके खान पान के लिहाज से भी। हाँ, मैं इस बात का अनुमोदन करता हूँ, और दोनों तरफ से एक अगर अच्छा दृष्टिकोण रहे मेज़बान की तरफ से और मेहमान की तरफ से, जो सत्कार करने वाला है उसकी तरफ से और जो अतिथि है उसकी तरफ से, चाहे वो रात्रि भोज वॉशिंगटन में हो रहा हो या पेरिस में हो रहा हो या दिल्ली में हो रहा हो, हमारा सबसे बड़ा धर्म यह है कि अतिथि को हम प्रसन्न करके उसको सुविधा के अनुसार उसको अपने घर में अच्छी तरह से सत्कार करके वापस करें, और साथ ही साथ उसका ये बड़ा मन होता है कि जब हम भारत आए हैं तो भारत की कला संस्कृति इतिहास, यहाँ का हैंडीक्राफ्ट, यहाँ के विभिन्न प्रकार के खाने पकवान, उन सब का स्वाद लिया जा सके, एक इंडिया एक्सपीरियंस किया जा सके। तो उस दृष्टि से मैं कह सकता हूँ, जो बार बार चीन के बारे में कहा जाता है, मैं कह सकता हूँ कि G20 की समिट इट इज़ अ समिट विद इंडियन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी ये एक ऐसा सम्मेलन है जो भारत की पूरी छवि से जुड़ा हुआ है, उन दोनों चीज़ों को अलग नहीं किया जा सकता है, और ये बात मैं समझता हूँ जो हमारे सारे महत्वपूर्ण अतिथिगण आए हैं वो इस बात को लेके जाएंगे, उन्होंने जो यहाँ से फोटो खींची होंगी, जो वीडियो बनाए होंगे, जो उन्होंने नोट किया होगा, क्योंकि विदेशी पत्रकार वगैरह जो मुझसे मिल रहे हैं वो बराबर इस बात को कह रहे हैं कि दिस इज़ G20 summit with Indian characteristics. जी एम्बेसडर भाटिया, शेरपा अमिताभ कांत ने कहा था कि एक्शन ओरिएंटेड न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है, क्या आप मानते हैं कि जिस तरह से आप कह रहे हैं नया भारत, बदला भारत, मजबूत भारत, उसकी एक तस्वीर इस पूरे दिल्ली डिक्लेरेशन में भी दिखाई देगी? हम जानते हैं कि ये
विश्व की आर्थिक समस्याओं के समाधान का मंच है G20। लेकिन बहुत साफ उन्होंने कहा कि 8 पैराग्राफ्स ऐसे हैं जिसमें जियोपॉलिटिकल इश्यूज को शामिल किया गया है, तो हम उसे नकार नहीं रहे हैं क्योंकि भू राजनीतिक परिस्थितियों का असर तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर, आर्थिक परिस्थितियों पर सीधे पड़ता है। आपने बहुत अच्छी बात सामने रखी है, जो जियोपॉलिटिकल पैराग्राफ्स हैं हम लोग उसका विशेष रूप से अध्ययन कर रहे हैं और करेंगे। संक्षेप में कहा जाए तो ये है कि बाली डिक्लेरेशन यानी पिछली जो शिखर सम्मेलन, पिछला शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ था, वहाँ पर 2 पैराग्राफ्स में इस बात को निपटा दिया गया था। उस समय स्थिति दूसरी थी, उस समय तक इतनी स्थिति गंभीर नहीं हुई थी जितनी अब हो गई, और इसीलिए पिछले 9 महीनों में बराबर रूस और चीन ने ये बात सामने रखी थी कि हम बाली के पैराग्राफ्स को स्वीकार नहीं करेंगे। और इससे लोगों के मन में बड़ी शंका थी कि हमारी सफलता कितनी मिल पाएगी, और इस स्टेज पर आने पर मैं ये कह सकता हूँ कि भारत की डिप्लोमेटिक मशीन राजनीतिक नेतृत्व की गाइडेंस में जब काम करना शुरू किया, तो मुझे मालूम है कि सम्मेलन शुरू होने से पहले ही हमारे पास कई ड्राफ्टिंग ऑप्शंस थे, कई विकल्प थे, और अंत में जो सबको पसंद आया वो यही था, पहली बात कि आपके सामने जो समस्या है उसको चंद शब्दों में ना कहिए, उसके लिए आप थोड़े और शब्द ले लीजिए, यानी 2 पैराग्राफ से 8 पैराग्राफ पे चले जाइए। दूसरी बात खास तौर से ये कही गई कि जिस तरह से रूस को आलोचना की गई थी बाली में, उस चीज़ को निकाल दिया गया, मगर साथ ही साथ ये बात बराबर रखी कि यूक्रेन का मामला इस घोषणा पत्र में आना ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि उसका असर, उसका प्रभाव देशों की आर्थिक व्यवस्था पर बहुत ज़्यादा पड़ा है, खास तौर से विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर, और इसलिए ज़रूरी है कि हम उसको अच्छी तरह से विस्तार से अपनी बातें रख दें, जिस पर कि दोनों पक्षों को कोई आपत्ति ना हो, और यही हुआ जी, और इसीलिए समझौता बन पाया। जी भाटिया जी, आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि कुछ जानकारी हम मेनू की बात कर रहे थे, क्या कुछ खाने के पकवान में हो सकता है, जी हाँ, अभी कुछ जानकारी आई है उसको साझा करना चाहेंगे दर्शकों के साथ में। शुरुआती व्यंजन के तौर पर पात्रम का जिक्र है, ताजी हवा का झोंका, दही के गोले और भारतीय मसालेदार चटनी के से सजे कंगनी श्री अन्न लीफ क्रिस्प, इसका जिक्र किया गया। मुख्य भोजन के लिहाज से अगर बात की जाए तो वन वर्णम मिट्टी के गुण वाला, ये इस प्रकार के तमाम चीज़ें हैं जिसमें ग्लेट्स फॉरेस्ट मशरूम, कुटकी, श्री अन्न क्रिस्प और करी पत्ते के साथ तैयार केरल लाल चावल के साथ परोसे गए कटहल गैलेट्स, यानी कि इस प्रकार के तमाम भारतीय व्यंजनों का भी एक तरीके से वहाँ पर प्रदर्शन होगा। और भारतीय रोटियों के लिहाज से बात की जाए तो मुंबई पाव का भी वहाँ पर परोसा जाएगा। कलौंजी के स्वाद वाले मुलायम एक तरीके से जो बनाए जाते हैं उसका एक तरीके से जिक्र रहेगा, और बाकर खानी को भी एक तरीके से परोसने की बात है, और ये मुख्य भोजन के लिहाज से बात है। इसमें इलायची के स्वाद वाली मीठी रोटी हुआ करती है, ये हमारे मेहमानों को परोसने की बात। साथ ही साथ मिष्ठान की अगर बात की जाए तो मधुरिमा स्वर्ण कलश का इसका नाम है, इस लिहाज से इसको परोसा जाएगा। इलायची की खुशबू वाला सांवा का हलवा, अंजीर, आड़ू, मुरब्बा और अम्बे मोहर राइस क्रिस्प के साथ में इसको तैयार किया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं पकवानों की लिस्ट में है। पेय पदार्थ की बात की जाए तो कश्मीरी कहवा, फिल्टर कॉफ़ी और दार्जिलिंग की चाय, ये कहीं ना कहीं शामिल किया गया। ऋतु, हम जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि भारत के तमाम राज्यों की विविधताओं को परोसते हुए कहीं ना कहीं खाने की मेज पर भी भारत की विविधता के दर्शन होंगे, तमाम चीज़ें सहेजी जाएंगी जिनको परोसा जाएगा मेहमानों को। निश्चित तौर से मेहमानों के लिहाज से भी इस बात का ख्याल रखा जाता है, राजीव जी बेहतर बता पाएंगे, लेकिन अपनी तरफ से मेज़बान क्या अतिरिक्त उनको परोसता है इस बात को भी दिखाया जाता है, और इसमें भारत की कोशिश क्या है, किन किन चीजों को समाहित किया गया, इसका प्रदर्शन कहीं ना कहीं रहेगा। मिस्टर भाटिया, G20 के पूरे इस सम्मेलन को, मतलब इसकी तैयारी से लेकर आज पहले दिन की शुरुआत रात्रि भोज में, जिस तरह से अरेंद्र ने बताया कि खाने के लिए किन किन व्यंजनों को चुना गया है और तमाम राज्यों के व्यंजनों को चुना गया है इसके लिए, क्या आपको लगता है G20 के इस पूरे शिखर सम्मेलन को एक आम जनता के आयोजन के तौर पर भी इसे बनाया गया, संभ्रांत राष्ट्रों तक ही सीमित ना रख के? हम ये बात कह सकते हैं, क्योंकि मैंने ये आपसे स्वयं पहले कहा कि जो भारत की विविधताएं हैं हर क्षेत्र में, कला संस्कृति, हैंडीक्राफ्ट, क्विजीन,
आर्किटेक्चर, उन सबको देखते हुए हमारा यत्न यही रहा था, सरकार का यत्न यही रहा था कि जब बाहर से लोग आए, नेता आए, उन्हें भारत की जो डाइवर्सिटी है, भारत की जो वैरायटी है, उसका अनुभव करने का अवसर मिले। क्योंकि आखिर हम जानते हैं कि इतने बड़े नेता कभी कभी आते हैं, और एक साथ तो मेरे ख्याल से बहुत बरसों पहले कभी आए हों तो आए हों, मगर निस्संदेह ये जो शिखर सम्मेलन है ये लिविंग मेमोरी में अपने आप में एक बड़ा सम्मेलन माना जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमने दोनों तरफ का ख्याल रखा है। एक तरफ जो भारत की सॉफ्ट पावर है वो पूरी तरह से शोकेस की गई है, दिखाई गई है, उसका प्रदर्शन किया गया है, जिसमें ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं वो आ गई हैं। दूसरी तरफ जो भारत की इंटेलेक्चुअल और डिप्लोमेटिक पावर है, डेक्सटेरिटी है, चतुरता है, वो भी सामने आ गई है। सारे डिप्लोमेट्स भारत के और पत्रकार सारे इस बात को मानेंगे कि जिस तरह से हमारी टीम ने काम करके एक घोषणा पत्र बनाया वो बहुत अच्छी बात थी। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जो इस समय भारत में राजनीतिक स्तर पर और जो सिविल सर्विस के स्तर पर जो समन्वय है, सामंजस्य है, वो निस्संदेह प्रशंसनीय है। आज आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात सामने आई, किस तरह से दो मंत्री, सीनियर मंत्री बैठे हुए थे, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री, और उनके साथ तीन या चार जो मुख्य अफसर हैं, जिसमें कि शेरपा अमिताभ कांत शामिल थे, हर्ष श्रृंगला चीफ कोऑर्डिनेटर शामिल थे, और फाइनेंस सेक्रेटरी या डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी शामिल थे। और बहुत अच्छी तरह से जो हमारी कहानी थी, जो हमारी स्टोरी थी कॉन्फ्रेंस की, उसको दर्शाया गया। तो देखिए, विदेश के नेता, विदेश के पत्रकार, विदेश के डिप्लोमेट्स, वहाँ से आए हुए दूसरे विजिटर्स, नेताओं की पत्नियाँ, वो अपने आप में बहुत ज़रूरी हैं, महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। उन सब ने आज भारत की एक ऐसी छवि देखी है, आज नहीं कल से आए हुए देखी है और कल तक देखेंगे, उसको मैं समझता हूँ वो बहुत समय तक अपनी स्मृति में बनाए रखेंगे। और ये मान के चलेंगे कि भारत तेजी से बदल रहा है और भारत के सामने पूरी दुनिया की जो स्टेज है उसमें एक अहम भूमिका निभाने के लिए भारत पूरी तरह से कटिबद्ध है। सर, जो दिल्ली डिक्लेरेशन में जो तमाम महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया है, उसमें इस बात को भी रेखांकित किया गया है कि ये तस्वीरें इस वक्त इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, इस वक्त प्रधानमंत्री उनका स्वागत करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, निश्चित तौर से मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। हमने देखा कि कैसे जब आज इंडिया, मिडिल ईस्ट और उसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन तक कॉरिडोर की, इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हुई थी, तो उस वक्त भी हमने देखा कि इटली किस प्रकार से उसमें साझा था। साथ ही साथ जब ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का शुरुआत हुई है, उसमें भी इटली भारत के साथ खड़ा नजर आ रहा है। तो अपने आप में ये दिखाता बताता है कि आखिर कैसे तमाम मंचों पर, तमाम देशों के साथ में भारत के बढ़ते सहयोग अपने आप में इस बात को इंगित करते हैं कि भारत के साथ मिलकर विश्व की बेहतरी के लिए कदम ताल करने को आज तमाम देश तैयार नजर आ रहे हैं, क्योंकि तमाम वैश्विक चुनौतियों के लिए भारत एक समाधान देता नजर आ रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो या फिर बायोफ्यूल अलायंस की बात हो, मिस्टर भाटिया, आपको लगता है कि ये भी अपने आप में एक बड़े महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स हैं, और भारत के माध्यम से चाहे योगा की बात हो, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की बात हो, या फिर किस तरीके से इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत की गई हो, मिशन लाइफ की शुरुआत की गई हो, और आज इस प्रकार के दो बड़े इनिशिएटिव्स भी देखने को मिले हैं, बायोफ्यूल इनिशिएटिव्स को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये ना सिर्फ हर एक देश के किसानों की बेहतरी के लिए है बल्कि दुनिया में फॉसिल फ्यूल्स के इस्तेमाल को कम करेगा, पृथ्वी के संरक्षण को भी फायदा देता नजर आएगा। ऊर्जा को लेकर एक ग्लोबल इकोसिस्टम बनाने का एक बड़ा प्रयास 2015 के इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बाद। जी हाँ, ये सारे जो नए इनिशिएटिव्स हैं जिनके बारे में मैं ऐसा तो नहीं कह सकता हूँ कि मैं सबके बारे में विशेषज्ञ हूँ और सबके बारे में पूरी तरह से जानता हूँ, मगर जो उसका पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक प्रभाव है उसके बारे में मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि इन सब इनिशिएटिव्स से, इन सब अलायंसेस से एक बात ज़रूर विश्व के सामने आ चुकी है, वो ये कि भारत में इस समय एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी वजह से नए विचार, नए कॉन्सेप्ट, नए इनिशिएटिव्स बराबर आ रहे हैं। अब हमें, हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि
कि हमको पूरी तरह से उनको कार्यान्वयन करना पड़ेगा और वो तभी मुमकिन है जबकि दूसरे देशों का पूरा सहयोग मिले। आज इस नई दिल्ली घोषणा पत्र के द्वारा वो सहयोग हमें मिला है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब ये G20 का कैरावान आगे बढ़ेगा तो भारत अपनी सीमा में रहते हुए पूरी तरह से जो आगे दो प्रेसिडेंट बनेंगे नवंबर के बाद में, पहले ब्राजील फिर साउथ अफ्रीका, इन दोनों के साथ पूरा सहयोग करके सहायता करके उनको भी उम्मीद करेगा कि वो भी उसी पथ पे चलेंगे जो कि आज G20 के नेताओं ने मिलकर बनाया है। और अंत में 2025 में 2026 में जब अमेरिका G20 का नेतृत्व करेगा तब तक हमें उम्मीद करनी चाहिए कि दुनिया की दिशा, दुनिया की स्थिति और दुनिया के सामने जो चुनौतियां हैं उनमें बहुत कुछ सुधार आ चुका होगा। सर, एक और जानकारी जो अभी इस वक्त निकल के आई है जहां पर यह डिनर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के माध्यम से दिया गया है विश्व के नेताओं के, तो निश्चित तौर से भारतीय व्यंजन के साथ साथ भारतीय संगीत का भी एक तरीके से वहां पर प्रदर्शन है और इस बात की जानकारी है कि संगीत मंडली गंधर्व अतोघम का जिक्र है जिनके माध्यम से भारतीय वाद्य यंत्रों का, भारतीय परंपरा को वहां पे सामने रखा जाएगा मेहमानों के सामने। इसके बारे में जानकारी, गंधर्व अतोघम एक अद्वितीय संगीत संयोजन है जिसमें भारत भर के जो संगीत वाद्य यंत्रों का उत्कृष्ट सहवादन होता है। इसमें शास्त्रीय वाद्य यंत्रों के सामूहिक वादन के साथ हिंदुस्तानी, कर्नाटक, लोक और समकालीन संगीत की प्रस्तुति है। इसका वादन विलंबित लय यानी धीमी गति से शुरू होकर मध्य लय यानी मध्यम तेज गति से होता हुआ द्रुत लय यानी तेज गति पर समाप्त होता है। इसमें 77 प्रस्तुतिकर्ता हैं। इसमें 11 बच्चे, 14 महिलाएं, 5 दिव्यांगजन और 24 युवा कलाकार शामिल हैं जिनको 23 पेशेवर कलाकारों द्वारा सहयोग प्रदान किया गया है। वे भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं और अपनी पारंपरिक वेशभूषा पहने हुए हैं। निश्चित तौर से ये तमाम जानकारियां जो धीरे धीरे इस वक्त आ रही हैं अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ऋतु। जी मिस्टर भाटिया, हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेश यात्रा पर भी जाते हैं या फिर विदेशी मेहमान जब आते हैं उनसे मुलाकात करने तो वो जिस तरह के उपहार को चुनते हैं उसमें भी भारत की संस्कृति, इतिहास की झलक होती है, उससे संबंधित होते हैं। तो निश्चित रूप से रात्रि भोज राष्ट्रपति ने दिया है जिसमें भारत की संस्कृति की परंपरा की झलक जरूर होगी। जिस तरह से तमाम विदेशी मेहमानों के रुकने के लिए 5-स्टार होटल्स ने अपनी अपनी तैयारी की, अलग अलग मेन्यू तैयार किया था, अलग अलग थीम से उन लोगों का स्वागत किया था, कहीं एक तरह से तुलसी के उसके साथ उनको माला पहना के स्वागत किया गया। तो ये सारी चीज़ें हमें लगता है कि रात्रि भोज में भी ज़रूर किसी ना किसी रूप में शामिल होंगी जो यादगार बनाएंगी तमाम राष्ट्र अध्यक्षों के लिए भी और उनके साथ जो उनकी पत्नियां आई हुई हैं उनके लिए भी। मैं पूरी तरह से सहमत हूं आपके साथ और ये भी अपने सम्मेलन का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है या अंग है। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि नेताओं के साथ उनकी पत्नियां आई हुई हैं, कुछ नेता के साथ शायद उनके बच्चे भी आए हुए हैं और फिर साथ ही साथ जो उनके प्रतिनिधिमंडल के वरिष्ठ सदस्य हैं वो लोग भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। आज जो मंत्री है हो सकता है कल वही राष्ट्रपति बन जाए। इस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस वक्त पहुंचे हैं भारत मंडपम और प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ में उनके स्वागत करते हुए और निश्चित तौर से अमेरिका के राष्ट्रपति का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण क्योंकि G20 के माध्यम से वैश्विक मसलों और मुद्दों पर कैसे मिलकर आगे बढ़ा जाए। अमेरिका के साथ भारत के बढ़ते संबंधों में हमने देखा है कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन का अपने एक जो दोस्ती है, आपसी केमिस्ट्री है, उसका एक बड़ा रोल रहा है ऋतु। जी हाँ, और इस केमिस्ट्री की पहली झलक तब मिली जब राष्ट्रपति बाइडेन हवाई अड्डे पहुंचे भारत और सीधे उसके बाद द्विपक्षीय वार्ता के लिए प्रधानमंत्री आवास पहुंचे और वहां के वो जो दृश्य थे, दो मजबूत लोकतंत्रों के एक साथ धमक करते हुए वो जो दृश्य थे वो ये बताते थे कि किस तरह से आने वाले समय में वैश्विक चुनौतियों के हल की तरफ दोनों देश साथ चल रहे हैं। और हम इस समय देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में राष्ट्रपति बाइडेन को बता रहे हैं, ये बताता भारत का इतिहास भी है, भारत पे जिस तरह के प्रहार हुए उसकी भी बात ये बताता है नालंदा विश्वविद्यालय का ये दृश्य। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने लोकतंत्र के प्रमुख नेता इस वक्त खड़े हुए हैं और उनके बीच में इस बात की जानकारी को साझा करना, प्रधानमंत्री मोदी बता रहे हैं भले ही आप दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं लेकिन हमारी सदियों पुरानी लोकतांत्रिक जड़ें भी
कहीं ना कहीं समाहित रही हैं इस प्रकार की व्यवस्थाओं में, तो निश्चित तौर से भारत आज जिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के माध्यम से दुनिया की वैश्विक व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने की बात करता है उसके DNA में है, उसकी एक तरीके से जड़ों में है। और ये बात अपने आप में इस तस्वीर से भी ऋतु जाहिर होती है जब हम नालंदा की इस तस्वीर को बैकड्रॉप में देखते हैं जहां पर प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र करते हैं। हम शुक्रिया करेंगे राजीव भाटिया साहब का जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, और सम्भवतः हमारे सहयोगी ऋतु इस वक्त जुड़ गए, अशोक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अशोक, आप भारत मंडपम में ही मौजूद हैं, राष्ट्रपति बाइडेन भी पहुंच चुके हैं, रात्रि भोज की तैयारियां भी हो चुकी हैं। चाहेंगे दर्शकों को पता चले कि किस तरह का माहौल, क्या दृश्य, क्या तैयारियां, क्या रात्रि भोज में क्या परोसा जाएगा और क्या क्या उपहार भी हो सकते हैं? देखिए ऋतु, यहाँ इस वक्त अगर मैं कहूँ तो भारत मंडपम में बहुत ही जो मौसम है वो बहुत ही इस वक्त खुश मिजाज है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और पूरा भारत मंडपम के दृश्य हम लगातार देख ही रहे हैं कि किस खूबसूरती से बाहर से लेकर अंदर तक इसको सजाया गया है। अब सवाल ये है कि जो तमाम मेहमान जो आ रहे हैं, दुनिया भर से मेहमान आ रहे हैं, जब ये भोजन के लिए बैठेंगे तो इनको क्या परोसा जाएगा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक लोगों के जहन में उत्साह होगा, क्योंकि हमने बर्तनों की बहुत सारी अब तक कहानियां देखी थी, सोने और चांदी के जो पानी चढ़े हुए जो हैं वो उन बर्तनों में इनको परोसा जाएगा, इस तरह के बर्तन तो हमने सब सुने। जहाँ तक इस भोजन की बात है, भोजन का मेन्यू भी जो है वो बड़ा ही इसको कह सकते हैं कि उसको बहुत ही रुचिकर तरीके से बनाया गया है। इसमें जो है भोजन के मेन्यू में ही वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के जो थीम है उस थीम के आधार पर इसको तैयार किया गया है। और इस मेन्यू कार्ड में जो ऊपर है शरद ऋतु का जिक्र किया गया है, क्योंकि इस वक्त जो है भले हम लोग दिल्ली में बैठकर कहते हैं कि हाँ ये क्लाइमेट चेंज का असर है, ये क्लाइमेट का जो संकट है उसके कारण है कि इस वक्त जो है जन्माष्टमी के बाद जैसी ठंडा मौसम होना चाहिए था वैसा मौसम जो है इस वक्त दिल्ली में नहीं है, लेकिन अगर हम ऋतुओं के चक्र के हिसाब से देखेंगे तो शरद ऋतु जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो बाकायदा इस मेन्यू कार्ड में बताया गया है कि शरद ऋतु के हिसाब से जो भोजन है उसको तैयार किया गया है, क्योंकि भारत में ऋतु के हिसाब से जो है भोजन को खाने की परंपरा रही है उसी हिसाब से। और इस पूरे मेन्यू में आप देखेंगे तो इसमें पूरे भारत की एक तरह की झलक मिलती है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या वो भी मैं आपको बताऊं, और उससे पहले बताऊं कि मैं अगर पे यहाँ पर पीने के लिए क्या है अगर वहां से मैं शुरू करूँ तो कश्मीर का कहवा है, कश्मीरी कहवा है और दार्जिलिंग की चाय। अब आप देखिए कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की हम बात करते हैं तो कश्मीर का कहवा है और दार्जिलिंग की चाय है जो यहाँ मेहमानों को परोसी जाएगी, साथ में जो है कॉफी होगी। जहां तक खाने की बात है तो जो शुरुआती व्यंजन में जो है उसको नाम दिया गया है ताजी हवा का झोंका, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग नाम दिए गए हैं, ताजी हवा का झोंका जो स्टार्टर होते हैं उसमें दही के गोले यानी दही बल्ले होंगे, उसमें दही के गोले और भारतीय मसालेदार चटनी में जिक्र किया गया है, क्योंकि भारत के मसाले की जो है बात से बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, तो भारतीय मसाले की चटनी से सजे कंगनी श्री अन्न लीप क्रिस्प। तो देखिए कि जो श्री अन्न है जिसकी हम बात कर रहे हैं, मिलेट की बात कर रहे हैं, वो पूरे इस जो मेन्यू है उसमें आपको दिखाई देगा। और इसी तरह से जो भोजन में भी इसी तरह की चीजें हैं, केरल का लाल चावल है।